यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2, जो कॉमर्स का हमारा पेपर नंबर 2 है, उसकी यूनिट नंबर 9, बोले तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। जो हमारे यूनिट नंबर 9 है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जैसा कि आपको मालूम भी होगा, इसके अंदर टोटल मिला के 12 लॉज हैं। 12 इसके अंदर जो है वो लॉ है, 10 लॉ तो है आपके यूनिट 9 के, और 2 जो लो हैं, एक है आपका कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और एक है जी आपका फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो टोटल मिला के 12 लो हो गए हैं। तो 12 लो जो हमने लीगल एस्पेक्ट में डाले, आज उनके एमसीक्यूज जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिला के 373 एमसीक्यूज जो है हमने इसमें डाले हैं 12 चैप्टर के। ओके, तो जहां जहां से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें डाले। मैचिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिलिप्स के क्वेश्चन भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में जो assertion reasoning के question है और statement based question जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ जी, तो total जो अपने 12 जो law हैं उनको, उनमें से 373 question हम लोगों ने बनाए हैं। entire syllabus को जो है वो cover करने की कोशिश की गई है, तो आप इनको लगाइए बढ़िया तरीके से। ओके, और अपना पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कीजिए। इससे पहले हम लोग जो है रिमेनिंग की जो हमारी और यूनिट्स है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया जो बिजनेस फाइनेंस का जो टॉपिक है, बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, उनकी ऑलरेडी हम लोग जो है वो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 1 की 10 के 10 यूनिट की एमसीक्यू सीरीज जो है हम लोगों ने डाली हुई है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। ओके जी सर, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी आगे आने वाला जो पेपर है 2022 के अंदर, जो एनटीनेट का पेपर होगा जून के अंदर, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2, जिनका कॉमर्स है कॉमर्स का अलग हमारा जो है कोर्स है, जिनका मैनेजमेंट है उसका सेपरेट कोर्स है, तो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों का पेपर 2 का जो है वो कोर्स आपको प्रोवाइड हम करवा देंगे। प्लस में पेपर नंबर 1 तो मिलना ही मिलना है। इन इसका आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सारे के सारे वीडियो लेक्चर, प्लस में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। इस तरीके से आपको बुक्स मिलेंगी, हर एक यूनिट की सेपरेट बुक्स जो है वो हमने बनाई हुई है, ये सब आपको मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके जी सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम जो है वो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे लीगल एस्पेक्ट के एमसीक्यूज को। तो पहला एमसीक्यू जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता आईपीआर, बोलता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंदर बेसिकली हमारा पेटेंट, जिसके अंदर हमारे कॉपीराइट, जिसके अंदर हमारा ट्रेडमार्क, ये सब बातें हैं। ये प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है द यूज, क्या करता है, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडिया डेटा ऑफ, वो किस तरह के, मतलब आईपीआर जो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो आपकी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपने क्रिएट करी, तो उसको प्रोटेक्ट तभी प्रोवाइड, उसका प्रोटेक्शन तभी मिलेगा अगर उसका कैसा यूज होगा, अगर उसका कमर्शियल यूज होगा। कैसा यूज होगा, कमर्शियल। तो आंसर जो आएगा इसका फर्स्ट का, दैट इज द थर्ड। चलो जी आगे, सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर आपको जो है वो दिया हुआ है कुछ एक्ट, और लिस्ट 2 के अंदर जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है, तो आपको मैचिंग करना था। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अगर मैं बात करता हूँ RTI का, तो ये आया 2005 में, IT एक्ट 2000 में, और कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 के अंदर। ये बात ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन एक्ट आया था 2002 में, लेकिन ये एप्लीकेबल 2009 से हुआ था, ठीक है ना। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा, डेट इज 4। आगे थर्ड, मीनिंग ऑफ अनपेड सैलर, अनपेड सैलर का जो है वो मतलब आपको बताना है कौन होता है। देखो, अनपेड सैलर एक ऐसा सैलर होता है जिसने जो है वो क्या कर दिया, जिसने सामान तो सेल कर दिया लेकिन अभी तक उसको उस सामान का जो है वो प्राइस नहीं मिला, तो अनपेड सैलर कौन हुआ। अनपेड सैलर इज ए पर्सन हु सोल्ड द गुड्स एंड हैज नॉट येट, और जिसको अभी तक जो है वो प्राइस रिसीव नहीं हुआ, तो थर्ड का थर्ड। आगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट लाइज अंडर सेक्शन 150 ऑफ द CGST। अगर मान लो गवर्नमेंट को CGST का सेंट्रल GST का जो है वो पैसा अगर रिसीव हुआ, तो गवर्नमेंट उसको जो है वो कैसे यूज करेगी, मतलब उसको जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जब ये CGST का पैसा जो रिसीव होगा, उसको गवर्नमेंट यूज करेगी क्या करने में, उसको रिसीव करने में जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आई है, सबसे पहले उसको रिकवर करेंगे, बोले तो ए क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। करने के बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उस अमाउंट को जो है, जो अमाउंट अगर डिफॉल्ट, अगर जो हमारे डिफॉल्टर था जिससे हमने अमाउंट रिकवर किया, अगर उससे कुछ अमाउंट पहले का हमारा बाकी था, तो फिर हम उसको यूज करेंगे,
कर लिया। करने के बाद में अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अब हम किसी अदर आईजीएसटी एक्ट के अंडर, अगर मान लीजिए आईजीएसटी एक्ट के अंडर भी अगर उससे कुछ अमाउंट रिकवर करना था वो करेंगे, कर लिया, और आखिर में जो पैसा बचेगा वो क्या कर देंगे, बैलेंस अमाउंट वो ट्रांसफर रिफंड कर देंगे किसको, डिफॉल्टर को, डी। तो आंसर जो बनेगा ए सी बी डी, बोले तो फोर्थ का सेकेंड। आगे फिफ्थ बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम। जीएसटी के बारे में कुछ फीचर बता रखे हैं, आपको बताना इनमें कौन सा जो है वो सही है। तो जीएसटी पहली बात तो जो है वो क्या है, एक डेस्टिनेशन टैक्स है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है जी। दूसरा, जीएसटी बेनिफिट करता है किसको, कंज्यूमिंग स्टेट को, मतलब जहां पे, मतलब जीएसटी उस स्टेट को मिलेगा जहां पे गुड्स जो है वो क्या की जा रही है, कंज्यूम की जा रही है, ना कि जहां पे गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है जी। और जीएसटी जो है वो क्या है, अम्ब्रेला टैक्स है जो इंप्रूव करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि अब पहले इतने सारे पचड़े थे, अब उन सबको सब्स्यूम करके एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स का नारा भी दिया उसको, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है वो इसके क्या है, फीचर है। तो फिफ्थ का जो आंसर आएगा डेट इज अ फोर, ए सी एंड ई। आगे सिक्स, विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस इंप्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका 1872, उसके बारे में आपको बताना है, जो करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको कि वो क्या रहेगा। देखो सबसे पहले अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले दिया जाता है क्या, ऑफर, दे दिया ऑफर, ऑफर जो है फिर उसके बाद में ऑफर के ऊपर क्या मिलेगी, एक्सेप्टेंस। जब ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिल गया, देन उसके बाद में जो है वो बन जाएगा क्या, प्रोमिस। प्रोमिस बनने के बाद में फिर जो है, फिर बनेगा वो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने के बाद अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा फिर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सिक्स का जो आंसर बनेगा इट इज अ फोर। चलो जी आगे सेवन, बोलते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द फीचर, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है किसका, जीएसटी का, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है जीएसटी का। तो जीएसटी एप्लीकेबल है सप्लाई पे, ये तो फीचर है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन, क्या जीएसटी प्रिंसिपल ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है, बताओ नहीं सर, जीएसटी प्रिंसिपल डेस्टिनेशन पे बेस्ड है, तो ये आपका गलत हो गया, ये इसका फीचर नहीं है। आगे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ द गुड्स ट्रेडेड इन द इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी, ये बिल्कुल सही बात है। जीएसटी एक ड्यूअल टैक्सेशन है विद सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी करते हैं कॉमन बेस पे, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीएसटी का पैसा जो है दोनों स्टेट को मिलता है, दोनों को मिलता है, सेंटर को भी मिलेगा और स्टेट को भी मिलता है। फिर बोला जीएसटी एप्लीकेबल है ऑन टू ऑल गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी एग्जेम्पशन, ऐसा है क्या, नहीं सर, कुछ गुड्स को जो है वो क्या दी गई है, एग्जेम्प्ट किया गया है, वो गुड्स जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, तो ये भी इसका फीचर नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी एंड ई, बोला जो सेवंथ का थर्ड। आगे एट्थ बोलता है गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे, एक है असर्शन एक है रीजनिंग, आपको इनको पढ़ के और बताना है कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है। पहला बोलता है ट्रेडमार्क, ध्यान से सुनना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर, अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को जो है वो क्या करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया, तो आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा, आपको मतलब आप उस ट्रेडमार्क को अकेले ही यूज कर सकते हो, जी बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं रीजनिंग में, ट्रेडमार्क एक रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है, डिजाइन है या कोई एक्सप्रेशन है विच आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सर्विस ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स, जिसको देख के अपने को पता चलता है कि ये किस पर्टिकुलर सोर्स का प्रोडक्ट है, फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड आर यूज, और उसको इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, क्लेम करने में एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि असर्शन में ये तो बोला गया कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको अकेले को राइट मिलेगा उसको यूज करने का, और रीजनिंग में वही बता रहा है कि अकेले को राइट मिलेगा तो आप उस अकेले राइट से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी आगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एट्थ का फर्स्ट, बोले तो असर्शन और रीजनिंग दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको, असर्शन को। आगे बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इनमें से कौन सा जो है वो इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है किसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। तो इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो क्या क्या होती है, कि वो क्वालिटी और फिटनेस वाला होना चाहिए, जो सामान जो है वो प्रॉपर क्वालिटी वाला हो, मर्केंटेबल नेचर का हो और होलसमनेस होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन कंडीशन इज टू फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, ये उसकी एक इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। तो आंसर जो आएगा नाइन्थ का डेट इज अ फोर। आगे बोलता आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीए एक्ट, इनमें से कौन सी आरटीए एक्ट के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इनके बेसिस बताना है इनमें से कौन सी जो है वो आरटीए एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। चलो जी देख लेते हैं अभी, सबसे पहले बोलता आरटीए एक्ट जो है वो आया 13 अक्टूबर 2005 को, नहीं सर, पहली जो है वो क्या हो गई है, गलत है। दूसरा फिर बोलता है एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, बोल तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों, नहीं सर, प्राइवेट से आप नहीं कर सकते, ये भी गलत है। रिप्लाई जो है इन्फॉर्मेशन का वो 30 दिन के अंदर मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है
देयर इज अ नॉमिनल एप्लीकेशन फीस है डेटा नीड टू पे टू गेट द इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि नॉमिनल फीस है फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट जो है हैज टू पे ₹10 पर पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी एंड डी, सी और डी, सी और एक मिनट ए बी ई, आपको गलत था ना, तो गलत है ए बी ई, ए बी ई बोले तो फर्स्ट ऑप्शन। चलो जी आगे बोलते, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आरडीए एक्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं आती, मतलब आप लोग जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन इसको देख के बताना इनमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन के अंडर नहीं आती, मतलब जिनके लिए आप आरडीए नहीं लगा सकते हो। तो लॉग बुक आती है, सर्कुलर आता है, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आता है, लेकिन फाइल नोटिंग से होती है, ये इसका पार्ट नहीं है। आगे, अंडर विच सेक्शन द आई टी एक्ट अपडेटेड इन 2008 स्टीलिंग एनी इन्फॉर्मेशन डिजिटल एसेट और इन्फॉर्मेशन इज कंसीडर्ड साइबर क्राइम, मतलब अगर आपने जो है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, चोरी कर लिया, तो वो एक साइबर क्राइम माना जाएगा, तो किस एक्ट में बोला गया, तो ये बोला गया सेक्शन 65 के अंदर। आगे, विच वन इज फॉल्स एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये आपकी फॉल्स है। पहला बोलता वर्ड एग्रीमेंट इज वन डेट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता असाइनमेंट इज अ ऑब्वियस मोड, असाइनमेंट ऑब्वियस मोड है किसका, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा है क्या, असाइनमेंट जो है क्या ऑब्वियस मोड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं सर ये सही नहीं है, तो फॉल्स है वो ये है, क्योंकि डिस्चार्ज जो है वो कैसे बाय लैप्स ऑफ टाइम हो गया या बाय परफॉर्मेंस हो गया उस तरीके से, लेकिन उसके अंदर असाइनमेंट जो है उसका पार्ट नहीं है। आगे, हु आर द पार्टी टू द चेक, चेक की पार्टी जो है वो बतानी है आपको, कौन कौन सी चेक की जो है वो पार्टीज होती है, तो सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं चेक के अंदर ड्रॉयर होता है, हाँ जी होता है, पे जिसको पैसा मिलना है ये भी होता है, एक्सेप्टर होता है क्या, नहीं सर एक्सेप्टर जो है वो चेक के अंदर नहीं होता, वो आपका बेसिकली जो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, होल्डर होता है, जी होल्डर होता है, तो आंसर जो आएगा 14th का डेट इज अ सेकंड। आगे, 15th, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइबर अटैक में अकर इन द प्रोसेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के अंदर किस तरह के साइबर अटैक होता है, बैकडोर से अटैक होता है, जी होता है, फ्रंट डोर से होता है क्या, सर फ्रंट डोर से अगर अटैक होगा तो उसको हम रोक ही लेंगे, तो ये नहीं होता, ठीक है जी। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, हाँ जी ऐसा होता है कि अपने को कोई सर्विस ही नहीं मिलती है। डायरेक्ट असेस अटैक होता है, हाँ जी हमारे मोबाइल को कोई पर्सन दूसरा जो है वो असेस कर सकता है, ये भी है, तो आंसर जो आएगा 15th का डेट इज द ए सी एंड डी, ए सी डी बोल दो 4। आगे बोलता है फेमा के अंडर, फेमा बोलता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर फॉरेन एक्सचेंज में क्या चीज नहीं आती, फॉरेन एक्सचेंज में आएगा डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो पार्ट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ जो की है इंडियन करेंसी में लेकिन पेबल है फॉरेन करेंसी में, ये भी इसका पार्ट है, ट्रेवलर चेक ड्रॉ किया इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया ने लेकिन वो पेबल है कहां पे, इंडिया के अंदर है, तो ये भी इसका पार्ट है, ड्राफ्ट ड्रोन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई एक बैंक था उसने कोई एक ड्राफ्ट लिखा, ठीक है, तो मतलब बैंक कहां का है, इंडिया के बाहर का, और पेमेंट भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो क्या वो फेमा के अंडर आएगा क्या, नहीं सर वो फेमा के अंडर जो है वो नहीं आएगा, अगर दोनों में से एक चीज इंडिया में होती, जैसे अगर वो ड्राफ्ट जो है वो इंडिया में लिखा होता और पेमेंट बाहर होती, या लिखा बाहर होता और पेमेंट इंडिया में होती, तो वो उसके अंदर इंक्लूड होता, तो आंसर जो आएगा डेट इज अ 4। 16 के बाद 17 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड है किससे, वारंटी से, तो वारंटी क्या होता है बेसिकली, वारंटी के अंदर ये है जो बेचारी परेशान पार्टी है मतलब जिसको नुकसान हो गया, तो नुकसान झेलने वाली पार्टी जो है वो क्या करती है, नुकसान को क्लेम करती है, तो बोलता है इनमें से कौन सी चीज जो है वो वारंटी के रिगार्डिंग सही है, तो बोलता है इन केस ऑफ ब्रीच, अगर वारंटी का जो है वो क्या होगा, ब्रीच होगा, एग्रीव्ड पार्टी जो बेचारी परेशान पार्टी है जिसका नुकसान हो गया कैन क्लेम, वो चाहे तो वो क्लेम कर सकती है, ओनली किसके लिए, डैमेज के लिए, तो वारंटी में जो है वो क्या होगा, आप डैमेज के लिए जो है वो डिमांड कर सकते हैं, और गारंटी के अंदर आप जो है वो डैमेज की डिमांड के अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप रिप्लेसमेंट की डिमांड कर सकते हैं, तो 17th का आंसर जो बनेगा डेट इज अ 4। आगे 18 बोलते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, मतलब अब कानून के अंतर्गत जो है वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो 18th का सेकंड। आगे 19 मैचिंग करना है आपको, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है वो होती है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, ये पार्टी किसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, प्रॉमिसरी नोट जो है वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो 19th का जो आएगा वो क्या, फर्स्ट।
आगे 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो वो है क्या कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके अंदर ये बोलते हैं चार मेंबर है, ऐसा होता है क्या? नहीं से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके अंदर हमारे चार मेंबर नहीं होते हैं, उसके अंदर बेसिकली हमारे जो है वो क्या है, एक प्रेसिडेंट और दो मेंबर, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। आगे फॉलोइंग आर द इवेंट विच जर्नली हैपन इन द लाइफ ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपको यह बताना है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कौन सा इवेंट होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ मान लो इसमें, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर सबसे पहले जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं जब कंपनी फॉर्मेट होगी, हाँ जी होगा। उसके बाद में जो है फिर क्या होगा, फॉर्म का इनकॉर्पोरेशन होगा, जी होगा। फॉर्म इनकॉर्पोरेट होने के बाद में फिर जो है वो क्या होगा, इक्विटी शेयर इशू करेंगे प्रोमोटर को, जी करेंगे। और फिर लास्ट में जो है वो क्या निकालेंगे, आईपीओ। तो 21 का जो आंसर आएगा इट इज अ 4। आगे 22, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स, किसको गुड्स की कैटेगरी में डाला गया। तो आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 उसके अंदर जो है गुड्स को डिफाइन किया, अगर बोला गया गुड्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम है बुक डेट, तो बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, ग्रोइंग क्रॉप आएगा, लेकिन ये चीज जो है वो आपकी गुड्स के अंदर जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है। एक मिनट रुको, तो आंसर के अंदर जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ए और बी आएगा, दोनों आएंगे, लेकिन सी और डी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर जो आएगा गुड्स में क्या आएगा, ए एंड बी, बोल दो थर्ड। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा लॉ जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो बिजनेस को जो अफेक्ट करता है इनमें से वो है आपका आईबीसी, इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ, ये बेसिकली जो है वो रिलेटेड है। इसके अंदर प्रोविजन जो लिखे गए हैं वो किसके लिखे गए मालूम, इसमें प्रोविजन लिखे गए वाइंड अप के, तो कंपनी का जो वाइंड अप है तो ये जो है वो बिजनेस को क्या करता है, ये लॉ आपका अफेक्ट करता है। आगे, द इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल, जो इंडेमनिटी होल्डर है मतलब जिसको क्षतिपूर्ति का अधिकार है, ठीक है, इज नॉट एंटाइटल, उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको एक ऐसा डैमेज जो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, ठीक है, तो वो उसके लिए कभी भी उसको कंपनसेशन जो है वो रिसीव नहीं होगा। तो इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल टू द डैमेज फॉर द लायबिलिटी इनकर्ड विच इज नॉट एब्सोल्यूट, 24 का आएगा 4। आगे 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट, आपको ओड वन आउट जो है वो आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताना है स्पेसिफिक गुड्स हो गया, अनएसर्टेन हो गया, और फ्यूचर गुड्स हो गया, एसर्टेन हो गया, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है वो तीन तरह की एसर्टेन गुड्स जो है वो वहां पे देखते हैं, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स और एक बेसिकली ये तीन तरह की जो है वो प्रेजेंट गुड्स होती है, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है एसर्टेन और एक होता है अनसर्टेन, लेकिन फ्यूचर गुड्स जो है इसका पार्ट नहीं है, इसकी कैटेगरी जो है वो अलग बनती है, अपने नोट्स में बताया भी था, थोड़ा ध्यान रखना इसको। तो 25 का जो है वो आएगा 3। आगे 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द कंपनी एक्ट फैसिलिटेट करता है अमलगमेशन, इनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जो अमलगमेशन को फैसिलिटेट करता है, तो वो है जी आपका सेक्शन 319। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो इनमें से कौन सी जो है वो सही कंडीशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिगार्डिंग। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जो गुड्स है उसका जो है प्रॉपर क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, हाँ जी सर टाइटल होना चाहिए। उसके बाद वो प्रॉपर डिस्क्राइब भी होना चाहिए, हाँ जी। क्वाइट पोजेशन होना जरूरी है क्या, नहीं सर। एनकम्प्लेंस होना जरूरी है क्या, नहीं सर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी, बोल दो 4। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन, इनमें से कौन सी प्रिजम्पशन नहीं है अबाउट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आपको बताने में से कौन सी अजम्पशन नहीं है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड होना चाहिए, यस। कंसीडरेशन लिखा होता है, लिखा होता है। स्टैम्प्ड होना चाहिए, यस। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एब्सोल्यूट होना और गुड टाइटल टू द ट्रांसफर ऐसा होना जो है वो प्रिजम्पशन नहीं है। तो आंसर आएगा क्या, 4। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज केप्ट आउटसाइड द परव्यू जीएसटी, इनमें से कौन सी आइटम को जो है वो जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया, तो वो है आपके कौन से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेकंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंक्लूड नहीं होता, चेक आता है, डिमांड ड्राफ्ट आएगा, प्रोविजन नोट आएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर आएगा 4। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन, इसके अकॉर्डिंग जो आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा जी, ऑफर होगा, हाँ जी ऑफर। बाद में क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, हाँ जी ऑफर एक्सेप्ट हो गया। देन उसके बाद में जो है फिर क्या, वैसे तो एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो डी। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर वो जो है वो क्या हो जाएगा, उसका ब्रीच भी हो सकता है, सी। तो पहले होगा ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, फिर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसका ब्रीच होगा। तो 31 का जो आंसर आएगा इट इज अ सेकेंड। आगे,
दो स्टेटमेंट इनको आपस इनको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। बोलता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑलवेज वैलिड, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, अगर विदाउट कंसिडरेशन हो वैलिड नहीं होगा, तो स्टेटमेंट वन तो आपका इनकरेक्ट है। सेकंड क्या बोलता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे एग्रीमेंट होंगे, लेकिन सभी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर रहेगा थर्ड, बोले तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है बट टू इज करेक्ट। चलो जी 33, रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना अपना कोपरा, कोपरा 2019, उसके अंदर जो अपना रिड्रेसल मशीनरी जो है वो कितने लेवल पे काम करती है, 3 लेवल पे 3। तो आंसर जो आएगा 3, और 3 में कौन कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर आएगा आपका स्टेट कमीशन, और एक आएगा कौन सा, नेशनल कमीशन। तो 33 का 3। आगे 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, कौन सा नहीं आता, लॉग बुक आती है, डेटा मटेरियल हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आता है, लेकिन फाइल नोटिंग इसका पार्ट नहीं है। सर्कुलर इसका पार्ट है लेकिन फाइल नोटिंग इसका पार्ट नहीं है। आगे मैचिंग करना है जी आपको इसको, तो सबसे पहले साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, आईटी एक्ट से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर जो बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर, ये जुड़ा हुआ है किससे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। डिसऑनर ऑफ द बिल जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और पेटेंट कॉपीराइट जो है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो 35 का जो आएगा वो क्या, थर्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, इनमें से कौन सा कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो नहीं आता, कौन सा इसका पार्ट नहीं है कंपटीशन एक्ट 2002 का। तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो क्या करता है, कंपटीशन को एंकरेज करता है, करता है, यह रोक लगाता है एब्यूज और डोमिनेंट पोजिशन के ऊपर लगाता है, यह रेगुलेट करता है मर्जर एक्विजिशन को, करता है, लेकिन यह प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या उनको भी उनके ऊपर भी रोक लगाता है, नहीं सर। अगर आपने आईपीआर करवा लिया तो आईपीआर करवाने के बाद, जैसे अगर आपने पेटेंट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव राइट है, इसके ऊपर आपका आईपीआर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आंसर आएगा क्या, थर्ड। आगे बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर मींस, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर का मतलब जो है वो ये है कि लेट द बायर बी वेयर, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी बायर कोई भी सामान को क्या करेगा, परचेस करेगा, तो उसकी खुद की ड्यूटी बनती है कि वो अवेयर हो कि वो सामान सही कंडीशन में है या नहीं है। तो 37 का जो आएगा, डेट इज अ सेकेंड लॉजी। तो ये होगा 37 क्वेश्चन। चलिए अब हम जो है वो सेकंड जो है वो फाइल शुरू करते हैं। तो सेकंड फाइल का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है ये, वेयर द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर द मिस्टेक, अगर जो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट की वो किसमें मिस्टेक्स के अंदर है, एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट इज, तो बताइए वो एग्रीमेंट कैसा होगा। मतलब ये है जो असेंशियल फैक्ट था अगर उसको लेके ही क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, मतलब आप सोच रहे हैं कुछ और एक्चुअल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी और चीज़ की रिगार्डिंग। अगर मान लो मेन टॉपिक के ऊपर या मेन जो असेंशियल जो फैक्ट था, ठीक है, या मेन जो मैटर था, अगर वही मिस्टेक के अंदर है तो बताइए वो एग्रीमेंट कैसा होगा। सर अगर मेन एलिमेंट मिस्टेक के अंदर है तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो आंसर जो आएगा फर्स्ट का, डेट इज डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी फीचर फॉर द फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का कौन सा नेसेसरी फीचर नहीं है। सर फ्री कंसेंट वो होती है जो फ्री है फ्रॉम मिस्टेक, फ्री है फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्री है फ्रॉम कोर्जन, फ्री है फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री है फ्रॉम मिस्टेक, लेकिन फ्री फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो है आंसर क्या आएगा इसका, डी। तो आपका वो जो फ्री कंसेंट है ना, उसके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस वेयर द परफॉर्मेंस बिकम, जब परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड पे आ जाएगा बिल्कुल ही। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गई है, मतलब अब पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको परफॉर्म कर पाओ, या एक्सट्रीमली क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है। तो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गई या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गई तो मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, एंड है। अगर टेम्परेरी इम्पॉसिबल है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को आप एंड नहीं मानते और आप उसको आगे जो है वो आगे तक के लिए क्या करते हो, वेट करते हो। लेकिन अगर वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाए या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हजार्डियस हो जाए, मतलब आपकी लाइफ को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहां पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, डी। आगे When after the formation of a valid contract an event happen, अगर मान लो contract के बनने के बाद में, ठीक है, कोई ऐसा event happen हुआ which make the performance, जिसकी वजह से performance जो है contract की वो क्या हो जाएगा, impossible हो जाएगा, तो बताइए contract क्या होगा। तो contract जो है वो क्या हो जाएगा आपका, void हो जाएगा, बी। आगे इफ ए पर्सन हु इज इनकेपेबल, अगर कोई पर्सन जो कि इनकेपेबल है क्या होने में, एंटर होने में इनटू ए कॉन्टैक्ट, इज सप्लाइड विद नेसेसरी, अगर उसने जो है वो क्या कर दिया, उसको नेसेसरीज मिली है। जैसे अगर कोई पर्सन इनकेपेबल है कॉन्टैक्ट करने में, जैसे लाइक आपका एग्जांपल कोई माइनर है,
ठीक है, माइनर जो है वो कोनेट करने में कैपेबल है क्या? नहीं सर, क्योंकि मेजर होना चाहिए। लेकिन उस माइनर को जो है वो क्या मिली? नेसेसरी प्रोवाइड करी किसी दूसरे पर्सन ने, देन द लेटर शेल, तो बताइए फिर क्या होगा? फिर जो अगर नेसेसरी सप्लाई करी है ना, तो उस नेसेसरी का जो अमाउंट है आप रिकवर कर सकते हो उस इनकैपेबल पर्सन लाइक माइनर के प्रॉपर्टी को सेल करके। तो यहां पे बोलता है इफ ए पर्सन हु इज इनकैपेबल, अगर वो पर्सन क्या है, इनकैपेबल है क्या करने में, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइड विद नेसेसरी, और अगर उसने कोई नेसेसरी सप्लाई करी थी दूसरे पर्सन को, देन द लेटर शेल, तो बात वाला जो दूसरा पर्सन जो है, ठीक है, वो रिमबर्स करेगा फॉर सच सप्लाई फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। तो आंसर जो आएगा फिफ्थ क्रेडिट इज बी, मतलब पर्सन लेवल नहीं ठहराओगे लेकिन फिर प्रॉपर्टीज को सेल करके जो है आप अपना अमाउंट जो है रिकवर कर सकते हो। आगे फिर आगे बोलते हैं जी, ए ओस 10,000 टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, इट इज एग्री बिटवीन ए बी सी डेट बी शेल हेंसफोर्थ एक्सेप्ट सी एज इज डेटर, मतलब ए ने जो है वो बी को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन बाद में जो है वो ये बोला गया कि मतलब बी बोला कि मैं सी को अपना डेटर मान लूंगा, मतलब जो पैसा ए से मिला था उसकी जगह पैसा लेना है किसे, सी से लेना है, इंस्टेड ऑफ ए फॉर द सेम अमाउंट, ओल्ड डेट जो है ए का वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, और नया डेट जो है वो क्रिएट हो गया किसका, सी, मतलब ए ने बी को कुछ पेमेंट करनी थी, ठीक है, और कितने की पेमेंट करनी थी, मान लो 10,000 की पेमेंट करनी थी, ठीक है, अब सी एक पर्सन आ गया और सी बोला बी को कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम ए से पैसा मत लेना, अब क्या हुआ, ये जो पुराना वाला कॉन्टैक्ट था वो तो क्या हो गया, खत्म हो गया, और एक नया कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया बिटवीन द बी एंड सी। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दिस इज अ नोवेशन, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिक्स का आएगा सी। आगे सेवंथ, ए एग्री टू सेल हिज हॉर्स टू बी, ए एग्री हुआ कि वो अपना घोड़ा जो है बेचेगा किसको, बी को, बट अननोन टू बोथ द पार्टी, लेकिन उस घोड़े की जो है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, वो अननोन है दोनों पार्टी के लिए, द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और दोनों पार्टी को पता नहीं था, और जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम पे वो घोड़ा जो है बेचारा क्या हो गया, डाइड हो गया। तो इस केस में बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा, वॉइड होगा, और पार्टीज जो है वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस को डिस्चार्ज कर चुकी है, मतलब पार्टीज फ्री हो जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, एंड द पार्टीज आर चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस। आगे एट्थ, बोलता है ए एग्री हुआ कि वो सप्लाई करेगा सर्टेन थिंग गुड्स टू बी, ए बोला कि मैं कुछ गुड्स दूंगा किसको, बी को, विच टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम सी फैक्ट्री, जिसको वो परचेस करेगा किससे, सी की फैक्ट्री से, मतलब ए बोलता है कि बी मैं तुम्हें कुछ गुड्स दूंगा, और वो गुड्स ए जो है वो लेके आएगा कहां से, सी की फैक्ट्री से, स्ट्राइक की वजह से सी की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, ठीक है, और उसकी वजह से ए जो है वो अपना गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया किसको, बी को, जो लेने किससे थे, सी से लेने थे, तो बताइए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि आप जो है उसको पूरा करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, बी। आगे व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया, पार्टी हु सफर सच ब्रीच, तो वो पार्टी जिसको नुकसान पहुंचा है वो क्या करेगी, वो नुकसान की भरपाई करेगी, तो वो रिसीव करेगी क्या, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड टू हिम, तो नाइन्थ का आएगा बी ऑप्शन। आगे टेंथ, ए पर्सन सप्लाई नेसेसरी, एक पर्सन है उसने जो है कुछ नेसेसरी सप्लाई करी किसको, इनकम्पिटेंट पर्सन को, लाइक कोई माइनर है या लुनेटिक है जो कॉन्ट्रैक्ट करने में जो है वो कैपेबल ही नहीं है, और उसको जो है उसने क्या प्रोवाइड करवा दिया, नेसेसरी प्रोवाइड करवा दी, जीवन जीने के लिए जरूरी है वो चीजें प्रोवाइड करवाई, ठीक है, इज एंटाइटल टू बी रिमबर्स, तो वो पर्सन, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू को समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, ये है कोई शॉपकीपर, ध्यान से समझना, ये कौन है, शॉपकीपर है, ठीक है, इसने जो है वो क्या किया, मिस्टर बी जो कि एक था माइनर, और इसको जो है वो कुछ नेसेसरी दे दी, मान लो ये भूखा मर रहा था, इसको खाने पीने का सामान दिया, उसकी कॉस्ट थी मान लो 10,000 रुपये, ओके, ये सामान इसने इसको दे दिया, अब कल को ए जो है, वैसे नॉर्मल केस के अंदर अगर बी को इसने कोई सामान दे दिया तो बी से पैसे के लिए पैसा मांगेगा, बी अगर मना करेगा तो कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने जो सामान बी को दिया था, तो बी कौन है, माइनर है, लेकिन क्योंकि ए ने जो सामान बी को दिया वो क्या, वो सामान किस नेचर का था, वो नेसेसरी थी, जीवन जीने के लिए जरूरी थी, तो अब ए के पास में राइट है कि वो बी की संपत्ति को सेल करके जो है वो पैसा रिकवर कर सकता है, ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो इन दोनों के बीच में एक्सप्रेस नहीं हुआ था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस इन दोनों पर्सन के अंदर हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्या, क्वासी, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे उसमें फीचर मिल जाएंगे, तो इसको बोलेंगे आप लोग क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बी। आगे बोलते हैं मिस्टर ए property was wrongly
एडवर्टाइज फॉर सेल फॉर रिकवरी होता गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम बी, मतलब ये था कि बी से गवर्नमेंट ने कुछ पैसा रिकवर करना था और गलती से गवर्नमेंट ने ऑक्शन लगा दी किसकी, ए की प्रॉपर्टी की। इन ऑर्डर टू सेव इस प्रॉपर्टी ए ने जो है वो पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब गवर्नमेंट बोली हम तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन ए बोला भाई एक बार रुको तुमने क्या लेना है, तो गवर्नमेंट बोली 50,000 रुपए का अमाउंट ड्यू है वो दो हमको। तो ए ने ना अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए एक बार 50 का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को क्या कर दिया, पे कर दिया। मान लो बुलडोजर वाले को 50,000 रुपए दे दिया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मत तोड़। अब एक्चुअल वो पैसा मिलना किससे था, वो आना था बी से, लेकिन वो दे किसने दिया, ए ने दे दिया। तो इस केस में ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया अपने आप ही, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वासी। कि अब बी जो है जो अमाउंट ए ने गवर्नमेंट को दे दिया बी के बिहाफ है, वो बी जो है वो देगा अब किसको, ए को। तो बोलता है मिस्टर ए ने पे कर दिया गवर्नमेंट ड्यूज इन दिस केस, इस केस के अंदर ए एंटाइटल है कि वो रिकवर करेगा अमाउंट ऑफ द ड्यू पेड बाय हिम फ्रॉम बी ऑन द बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चाहे ए और बी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो है अब बी कंपनसेट करेगा किसको, ए को। आगे बोलता है ए सिंगर, ए एक सिंगर था ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उसने बी के साथ में, जो बी जो कि मैनेजर है किसका, थिएटर का। और ए ने बोला कि मैं गाना गाऊंगा एट द थिएटर 2 nights इन एवरी वीक, हर हफ्ते में 2 रात जो है मैं गाना गाऊंगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months अगले 2 महीने में। बी एंगेज हो गया टू पे हर 1,000 ऑफ ईच नाइट परफॉर्मेंस, और बी बोला कि ठीक है मैं हर रात के जो है वो आपको 1,000 रुपये पे करूंगा। ऑन द 6th night छठी रात को जो है ए जानबूझ के एबसेंट हो गया हरसल फ्रॉम द थिएटर, ए जानबूझ के जो है वो थिएटर में गए नहीं जहां पे क्या करना था गाना गाना, तो बताइए क्या होगा। तो बी इज एट द लिबर्टी, बी के पास में ये लिबर्टी है कि वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड मान सकता है। तो यहाँ पे आएगा बी, ए ऑप्शन बोले तो बी इज एट द लिबर्टी, बी के पास में ये लिबर्टी है, मतलब बी के पास में एक ऑप्शन है कि टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द थ्री, विच ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट आर द 3 parties कंसिस्टिंग ऑफ द क्रेडिटर प्रिंसिपल लेटर एंड श्योरिटी, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 3 parties जो है वो होती हैं। तो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो है एक तो होता है जिसके जो गारंटी देता है, एक वो जिसको गारंटी दी गई और एक वो जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई। तो क्रेडिटर हो गया ठीक है, प्रिंसिपल लेटर एंड द श्योरिटी, ये जो है ये तीनों पार्टी जो है वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती हैं, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आगे वेयर ए पर्सन प्लेज गुड्स, अगर एक पर्सन जो है उसने गुड्स को प्लेज किया इन विच ही हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट द प्लेज इज, तो बताइए वो प्लेज किस तरीके का होगा। तो वो जो प्लेज है वो कैसा होगा, वैलिड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ डेट इंटरेस्ट, जितना उसका इंटरेस्ट है वहां तक जो है वो प्लेज क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब अगर एक पर्सन है उसने कुछ गुड्स गिरवी रख दी ठीक है, इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड, जिसके अंदर उसका एक ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट था, तो वो जो गिरवी जो संपत्ति रखी है वो ओनली उस अमाउंट तक जितना आपका अधिकार था वहीं तक जो है वो क्या होगी, वैलिड होगी। चलो जी आगे, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, ए बोला बी को कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपको कुछ अमाउंट पे करूंगा अगर आप जो है शादी करोगे इससे सी से। सी जो है वो बेचारा क्या हो गया, डाइड हो गया विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, और सी जो है वो पहले ही एक्सपायर हो गया बी से शादी किए बिना ठीक है। तो बताइए अब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्ड बी। आगे वट इज कंटिन्यूइंग गारंटी, देखो गारंटी अलग अलग तरह की होती है, स्पेशल गारंटी होती है, स्पेसिफिक गारंटी होती है, कंटिन्यूइंग होती है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी कौन सी होती है, सर कंटिन्यूइंग गारंटी वो होती है विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन सी। आगे ए एंगेज हो गया, ए एंगेज बी एज ए क्लर्क, ए ने बी को एंगेज किया एज ए क्लर्क के तौर पर कि आप जो है मेरे बिहाफ पे पैसा इकट्ठा करो ठीक है। बी फेल हो गया टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट, बी जो है उसने करेक्शन किया था ए के बिहाफ पे लेकिन उसको जो है वो ए को नहीं बता पाया। एंड ए इन कंसेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग, ए डज नॉट एक्वेंट सी विद बी प्रीवियस कंडक्ट, बी आफ्टरवर्ड मेक डिफॉल्ट, और बी ने जो है वो बाद में जो है वो क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे जो गारंटी है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस केस के अंदर गारंटी जो है वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड, क्योंकि उसने पहले ही जो है उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। आगे ए ने डायरेक्ट किया बी हिज सॉलिसिटर, ए कोई पर्सन था उसके पास में कुछ प्रॉपर्टी थी, ध्यान समझिएगा, ए एक पर्सन था उसके पास में कुछ जो है वो क्या थी, प्रॉपर्टी थी ठीक है, ए के पास में जो है वो क्या है,
प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसने अपॉइंट, उसने बी को बोला, बी जो कि उसका सॉलिसिटर था, ठीक है, कोई सलाहकार था मान लो, उसको बोला कि आप मेरी प्रॉपर्टी को बेचो ऑक्शन लगा के, ठीक है, और एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर देना इस पर्पज के लिए। मतलब वो ऑक्शनर जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा, बी अपॉइंट करेगा, और वो क्या करेगा, ए की प्रॉपर्टी सेल करेगा, ठीक है। और बी ने जो है वो सी का नाम रखा, बी ने सी को रेफर किया ए को, कि सी को हम अपॉइंट करें ऑक्शनर के तौर पे, ठीक है जी। तो बताइए अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सी जो है वो कोई सब एजेंट नहीं है, सी डायरेक्टली जो है वो क्या है, एजेंट है किसका, ए का। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ए ने बोला, ए ने डायरेक्शन दी किसको, बी को, जो कि उसका एक सॉलिसिटर था, कि आप मेरी प्रॉपर्टी को ऑक्शन के जरिए जो है वो क्या करो, सेल करो, एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर दो। ए ने बी को कहा कि तुम ऑक्शन अपॉइंट कर दो, बी ने अपॉइंट कर दिया सी को एज एन ऑक्शन। तो बताइए क्या है, तो यहां पे क्या ए बी जो है वो क्या ए का एजेंट था, नहीं सर, बी ए का एजेंट नहीं था। अगर बी ए का एजेंट होता तो फिर सी सब एजेंट होता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। तो इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, इस केस के अंदर सी जो है इज नॉट ए सब एजेंट, सी सब एजेंट नहीं है, बट वो ए का एजेंट है, ठीक है, फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे 19th स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है एवरी कॉन्टैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्टैक्ट। बोलता है हर कॉन्टैक्ट जो है वो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट का जो है वो कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। बताओ ये सही है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। आगे बोलता है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्टैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट है कॉन्टैक्ट है, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब जितने भी एग्रीमेंट है वो क्या बन जाएंगे, कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, अगर उसके अंदर फ्री कंसेंट का एलिमेंट जो है वो होगा। तो आंसर जो आएगा 19th का डेट इज सी। 20 बोलता है ओन ए वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक वैलिड परफॉर्मेंस की बात आती है कॉन्ट्रैक्ट के, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज। तो मान लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही कर दिया तो आप अपनी लाइबिलिटी से जो मुक्त हो गए जी। स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बोलती है द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द पार्टीज आर नो मोर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और डिस्चार्ज का मतलब ये है कि अब पार्टीज जो है वो अपनी लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी के प्रति जो है वो लाइबल नहीं है, वो सारी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गई हैं, अगर उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस को कंप्लाई कर लिया। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे 21 बोलता है द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअल भी होता है और एंटीसिपेटरी दोनों है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बोलता है ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है द इंजर्ड पार्टी मे सू फॉर डैमेज, जिस पार्टी को नुकसान होगा वो डैमेज की डिमांड कर सकती है, ये बिल्कुल कर सकती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपकी करेक्ट है, बोले तो सी। आगे बोलता है कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट इज एन ओब्लिगेशन, कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ओब्लिगेशन है विच लो क्रिएट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में किया जाता है क्या, नहीं सर, वो तो अपने आप ही क्या होता है, क्रिएट होता है। ध्यान से सुनना, तो कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है जी, आपका एक ओब्लिगेशन है विच द लॉ क्रिएटर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। सेकंड क्या बोलती है, द टर्म क्वांटम मेरिट मीन्स अनफेवरेबल रेम्यूनरेशन, ऐसा होता है क्या, नहीं सर, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना आपने कमाया उतना ही मिलेगा। बोलते यहाँ पे अनफेवरेबल नेचर का रेम्यूनरेशन की कोई बात नहीं होती है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो 22 का जो आंसर आएगा डेट इज ए, ओनली स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे 23 बोलता है क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आर नॉट बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉस्टली कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो पार्टीज के इंटरेस्ट के कारण पैदा नहीं होते हैं, वो अपने आप लो के कारण क्रिएट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रीजनिंग में बोलता है इन कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट में दिस रिलेशन इज इम्पोज अपॉन द पार्टी बाय द लो। बोलता है कि जो कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो रिलेशन है वो लो के द्वारा इम्पोज किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि असर्शन में क्या बोला कि कॉस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो इंटेंशन के ऊपर बेस नहीं होते, वो किसके ऊपर बेस होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, वो लो के ऊपर बेस होते हैं, और रीजनिंग में यही बात देखी गई है। तो आंसर जो आएगा 23 का वो क्या आएगा, ए आएगा। बोलते दोनों की दोनों बातें सही हैं और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। चलो जी आगे 24 बोलता है कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल इवन इफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट देयर। बोलता है कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट आपका हमेशा एनफोर्सेबल होगा, चाहे बेसिक जो एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो आपके पूरे ना होते हो, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन जब पूरी ना होती हो तो भी कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट तो आपका एनफोर्सेबल रहेगा। असर्शन एकदम जो है करेक्ट है, क्योंकि कॉस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है स्पेसिफिकली मेड एनफोर्सेबल, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन है वो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो 24 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे 25
बोलता है द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसीडरेशन। जो एग्रीमेंट है वो ऐसा होता है जो सपोर्ट हो किससे, लॉफुल कंसीडरेशन से। बिल्कुल सही बात है। फिर रीजनिंग बोलता है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे मैचिंग करना था कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अगर बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑफर की बात करें, ऑफर क्या है, प्रोपोजल, और प्रॉमिस है वो क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रोपोजल। तो 26 का जो है वो आएगा ए। आगे हाउ मेनी डेज डे क्लियर नोटिस शुड बी गिवन टू होल्ड द एजीएम। अगर आपने एजीएम करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, तो कम से कम 21 दिन पहले जो है वो आपको नोटिस देना चाहिए। सी कोरम जो है बोर्ड मीटिंग की वो कितनी है। कोरम कौन होता है, कोरम का मतलब है किसी भी मीटिंग के अंदर जो है उसको अगर वैलिड करना है तो कम से कम मिनिमम कितने मेंबर उसके अंदर होने चाहिए। तो अगर बोर्ड की मीटिंग हो रही है, बोर्ड डायरेक्टर की, जिसके अंदर डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो उनकी कोरम क्या होती है, तो बोर्ड की मीटिंग के अंदर जो कोरम रहेगी बेसिकली आपकी, वो रहेगी जो आपके 1/3 जितने भी डायरेक्टर हैं उनका 1/3, या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, ए। आगे ओनली वाइंड अप के टाइम पे ऑर्डर बीइंग मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑर्डर जो है वो किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी। द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल बिकम द, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वही कंपनी का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंपनी का लिक्विडेटर वाइंड अप के टाइम पे। तो 29 का हो गया जी आपका ए। ये यहां पे फिर बैलेंस है इसका। आगे इफ द गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कौन सी है, गारंटी कंपनी है, और उसकी क्या है, शेयर कैपिटल भी है, तो वहां पे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी। तो वहां पे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी पहली बात कितनी देगी, एक तो जितना उसने गारंटी दिया वो भी पे करना पड़ेगा, प्लस में जो शेयर कैपिटल का अनपेड अमाउंट है वो भी उसको पे करना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा डी, बोल दो ए एंड बी। आगे बोलता है द प्रोस्पेक्टस इशूड इन ऑर्डर टू टेस्ट द मार्केट बिफोर फाइनलाइजिंग इशू साइज और प्राइस इज नोन एज। जो प्रोस्पेक्टस है जो इशू किया इन ऑर्डर टू टेस्ट करने के लिए किसको, मार्केट को, बिफोर फाइनलाइजिंग इशू साइज और प्राइस इज नोन एज। मतलब ये है एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर हम जो है वो इशू प्राइस ही नहीं डालते हैं, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सी बेसिकली इशू प्राइस को जानने के लिए हम ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। आगे एक्स वाई जेड कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक्स कंपनी जो है वो सब्सिडरी है किसकी, एक्स वाई जेड की, तो बताइए एक्स कंपनी का स्टेटस क्या है। देखो भाई एक्स वाई जेड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसकी जो सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या होती है, गवर्नमेंट, तो एक्स जो है वो क्या सब्सिडरी है किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो भी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। तो 32 का आएगा सी। आगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक कॉम्बिनेशन है, तो एलएलपी जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, वो कॉम्बिनेशन है कन्वेंशनल पार्टनरशिप का प्लस में प्राइवेट कंपनी का। तो आंसर आएगा 4 और 5, बोले तो सी। आगे डॉक्यूमेंट विच इज डिफाइनिंग द रोल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर इन द एलएलपी। एलएलपी कैसे गवर्न होती है, सर एलएलपी गवर्न होती है बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। तो 34 का आएगा बी। आगे इन द ईयर 2002 कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज एनेक्टेड। सन 2002 के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट आया और उसने जो है वो एनेक्ट किया, उसने पुराने वाला जो एक्ट था एमआरटीपी एक्ट, उसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो आंसर आएगा सी, एमआरटीपी एक्ट 1969, ध्यान रखना। आगे व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द सीसीआई। आपने सीसीआई को जब नोटिस दे दिया तो कितने दिन का टाइम पीरियड, एक मिनट को भाई कहां गया, एक मिनट। बोलता व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों के बाद आफ्टर यू नोटिस सीसीआई, अगर आपने सीसीआई को नोटिस दे दिया तो उसके कितने दिनों के बाद एंटरप्राइज कैन एंटर द कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो 210 दिन का आपने को जो है वो क्या टाइम पीरियड दिया गया, 210 दिन तक वेट करें, अगर 210 दिन में सीसीआई का ऑर्डर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मान लिया जाएगा कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हो गया। तो 36 का आएगा सी ऑप्शन, 210। आगे 37 सीसीआई शेल नोट इनिशिएट एन इंक्वायरी इन टू द कॉम्बिनेशन आफ्टर द, अगर मान लो एक साल पूरा हो जाता है तो एक साल पूरा होने के बाद में सीसीआई के पास में कोई भी पावर नहीं है कि वो जो है वो कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो क्या करे, इंक्वायरी करे। तो आंसर आएगा ए। वट एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस एट ए प्राइस विच इज बिलो द कॉस्ट टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर। वो कौन सा प्राइस होता है जिसके अंदर आप प्राइस को बहुत ही बिलो रखते हो ताकि आप कॉम्पिटिटर को जो है वो क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो मार्केट से। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीडेटरी प्राइसिंग, बी, जिसके अंदर हम प्राइस है वो कॉस्ट से भी बिलो हम जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। आगे विच आर द फॉलोइंग एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 रेफर टू एन एग्रीमेंट रिक्वायरिंग ए परचेसर ऑफ द गुड्स एज ए कंडीशन ऑफ सच परचेस टू परचेस सम अदर गुड्स। अगर मान लो ये बोल दे, एक कंडीशन लगा दे कि अगर आपको ए कमोडिटी लेना है तो आपको बी तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट को जो है वो बोलते हैं हम लोग क्या, टाई इन अरेंजमेंट, ए।
आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002 रेफर टू एन एग्रीमेंट टू लिमिट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर लिमिट लगाई गया या रिस्ट्रिक्शन किया गया या विदहोल्ड किया गया द आउटपुट को या सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट एनी एरिया और मार्केट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स, और एक एरिया बता दिया गया इस एरिया के अंदर जाके आप जो है सामान को क्या करो सेल करो, आप ही को राइट दिया कि आप इस सामान को क्या करोगे सेल करोगे, तो इस ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट सी। Which of the following as per the Competition Act 2002 refer to any agreement restricting in any manner the purchaser? अब एक ऐसा एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो है वो क्या होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी तरीके से किसको purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller of any person? तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो है जी आपका एक्सक्लूसिव सप्लाई, मतलब आप सिर्फ हमसे ही जो है सामान को क्या करोगे परचेज करोगे किसी और से सामान को परचेज नहीं करोगे। आगे बोलता है द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द प्रपोज एलएलपी, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना प्रपोज एलएलपी का उसके लिए रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डिन, वो डिन के लिए अप्लाई करेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिन नहीं, वो DPIN के लिए अप्लाई करता है। बोलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन यहां पर वो अप्लाई करेगा DPIN के लिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड बोलता है एवरी इंडिविजुअल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ए पार्टनर ऑफ एलएलपी नीड टू ऑब्टेन द डीएससी, हर एक इंडिविजुअल जो एलएलपी के अंदर पार्टनर बनना चाहता है उसके पास में डीएससी होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। डीएससी का फुल फॉर्म क्या, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, तो डीएससी होना जरूरी है क्योंकि अब एलएलपी एग्रीमेंट जो बनेगा या एलएलपी का जो फॉर्म जाएगा रजिस्टर के पास में, ठीक है, उनके ऊपर हर पार्टनर के साइन होंगे और वो साइन जो है वो मैनुअली ना होके वो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉनिक साइन होंगे, डीएससी होना चाहिए उसके लिए। तो आंसर आएगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू नहीं है, बट सेकंड जो है वो क्या है ट्रू है। तो 41 का बी। आगे असर्शन बोलती है ए कंपनी इज ए जुरिस्टिक पर्सन विद ए परपेचुअल सक्सेशन, एक कंपनी जुरिस्टिक पर्सन होती है, मतलब कंपनी जो है वो जुडिशियल जुरिडिकल पर्सन है बेसिकली, ठीक है, और जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कोई आए मेंबर के आने का या मेंबर के जाने का कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लो, कंपनी जो वो क्रिएट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लो एंड कैन बी पुट टू एन एंड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, जब कंपनी बनती भी लॉ के कारण है और कंपनी एंड भी जो है वो लॉ की मदद से ही होती है, मतलब वाइंड अप भी कंपनी का जो है वो सीधा नहीं हो सकता, वो लॉ के अंडर ही होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और रीजनिंग करेक्ट है, सेक्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा ए। आगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की बात करें, सीसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद ए क्वासी जुडिशियल पावर, सीसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास में क्या है क्वासी जुडिशियल पावर है, बिल्कुल मतलब कोर्ट वाली सारी पावर होती है। जी बिल्कुल सही बात है। बोलते सीसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है बट दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो आंसर आएगा बी, मैचिंग करना है जी आपको इसको। तो सबसे पहले वर्ड एग्रीमेंट कौन सा, वर्ड एग्रीमेंट द एग्रीमेंट हैविंग द appreciable adverse impact, अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है कॉम्पिटिशन पे तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वर्ड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। बिड रिगिंग का फॉर्म बताओ, बिड रिगिंग जो है वो किस तरीके की होती है, तो बिड रिगिंग जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेना इसको बोलते हैं बिड रिगिंग, ये आपके कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। फिर फ्री एंट्री एग्जिट काम देखने को मिलेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और कार्टल जो है वो क्या होता है, वो होता है प्लोरीरेशन प्लोरीजोनटल एग्रीमेंट बेसिकली, मतलब एक कार्टल के अंदर क्या होता है सेम लेवल की फर्म से वो मिलकर के एक ग्रुप क्रिएट कर लेती है। तो 45 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए। आगे डैश इज ए पर्सन इन हूज नेम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू, कौन पर्सन जिसके नाम पे डीएससी इशू होता है, तो वो होता है जी सब्सक्राइबर के नाम पर। 46 का जो आएगा वो क्या आएगा बी। आगे हु हैज द पावर टू सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को साइन करने की पावर जो है वो किसके पास में होती है, तो वो होती है हु हैज द पावर टू इशू, ये आंसर ये क्वेश्चन ये है हु हैज द पावर टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो डीएससी इशू करने की पावर जो है वो किसके पास में है जी आपका, वो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। आगे द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो ये तो ऑथेंटिकेशन जो है वो हम करवाते किसे डिजिटल सिग्नेचर से, तो आंसर आएगा सी डिजिटल की नहीं है डिजिटल सिग्नेचर। तो 48 का जो है वो आएगा क्या सी। तो बोलता है ऑथेंटिकेशन जो होती है टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ असिम्प्टोटिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, वो जो हैश फंक्शन या जो है वो होता है अपना क्या डिजिटल सिग्नेचर। आगे आरटीआई के अंदर क्या क्या होता है, आरटीआई इंक्लूड द राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप ऑब्टेन कर सकते हो आरटीआई में, डिस्केट में भी हो चाहे वो चाहे फ्लोपीस में हो चाहे वो टेप्स में हो, तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दिस, तुरंत का डी। आगे
फिर बोलते हैं जी आपका द ऑफिसर डेजिग्नेट बाय द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी ने एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जो क्या करेगा, जो प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप वो उसके लिए आरटीए लगा सकते हो। तो किस पर्सन को आप आरटीए लगाओगे, वो लगाओगे आप पीआईओ को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पीआईओ होगा जो बेसिकली अगर कोई जनता उससे कोई डिमांड करती है डॉक्यूमेंट की तो उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो 50 का आएगा सी। आगे बोलता है इफ द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व, अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट फॉर, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो कितनी होती है। देखो नॉर्मल केस में तो 30 दिन का है, लेकिन थर्ड पार्टी से अगर मान लो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर वहां पे आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड होगी, कितना हो जाएगा 40 दिन का। तो ये क्या बन जाएगा बी। आगे फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट एप्लीट अथॉरिटी, पहली अपील जो जाएगी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन, तो वो प्रेफर्ड है वो कितने दिनों के अंदर लेके जाएगा, तो 30 दिन के अंदर जो है वो क्या होगा अपील आप प्रोवाइड कर दोगे। तो पहला आएगा 30, तो फर्स्ट अपील जो है वो आप आरटीए एक्ट के अंदर जो है वो कितने दिनों में करोगे 30 डेज के अंदर फ्रॉम द एक्सपायर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट था अगर उसके एंड होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर दोगे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की थी बट मुझे वो रिसीव नहीं हुए हैं। आगे फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी विद इन, कितने दिनों के अंदर जो है पहली अपील का जो है वो क्या कर देंगे निपटान कर देंगे, तो 30 दिनों का टाइम पीरियड, 30 दिन में निपटान कर देंगे, और अगर नहीं हो पाया तो 15 दिन का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। आगे लोग अगला क्वेश्चन आ गया, पीरियड फॉर डिपोजिटिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सपेंड, कितने दिनों तक 30 दिन के बाद में कितने दिनों तक एक्सपेंड किया जा सकता है, अगले 15 दिन तक। आगे द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटी एक्ट, जो आरटी एक्ट का जो लॉन्ग टाइटल है सीक टू प्रमोट द, वो क्या करेगा फॉलोइंग क्वालिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, तो वो क्या करेगा मतलब आप जो आरटीए को लेकर उसके पीछे का आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्रिएट करना चाहते हो। तो 55 का आएगा ए, आरटीए को लाने के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे। तो आंसर क्या ए। आगे 56 बोलता है आरटीए एक्ट 2005 स्टिपुलेट करता है दैट द पब्लिक अथॉरिटी शुड ट्रांसफर एन आरटीए एप्लीकेशन और द पार्ट देयर ऑफ टू द अनदर पब्लिक अथॉरिटी इफ द एप्लीकेशन और द पार्ट ऑफ द पर्टेन टू द इन्फॉर्मेशन, अगर वो रिलेटेड है दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से तो वो क्या है जी अगर वो इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय द अनदर पब्लिक अथॉरिटी है तो वो उनको बोल देगा कि तुम प्रोवाइड करवाओ, या वो जो सब्जेक्ट मैटर जो है इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ द अनदर, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो उस डिमांड की गई है वो दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड है तो हम उनको बोलेंगे तुम प्रोवाइड करवा देना इन्फॉर्मेशन। तो आंसर आएगा सी बोथ ए एंड बी। आगे राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से राइट आते हैं, तो आरटीए के अंदर आएगा कि आप इंस्पेक्शन आरटीए के अंदर आप क्या कर सकते हो, इट इंक्लूड द राइट टू इंस्पेक्ट वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, यस, टू टेक नोट्स एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड कॉपी, यस, टू सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, यस, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट डिस्केट फ्लॉपी, यस। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, तो 57 का हो गया डी। आगे The obligation of the public authority under the RDA Act 2005 include, जो obligation है public authority की उसके अंदर क्या क्या, मतलब public authority की क्या क्या obligation है basically, क्या क्या liability है, तो उसमें क्या आएगा कि public authority क्या करेगी, publish करेगी power and duty of the officer की, officer की क्या power है उसकी क्या duty होती है, दूसरा publish करेगी norms कानून बताएगी set for the discharge of the function कि जो public authority है या public department है वो किस तरीके से अपनी duty का निर्वहन करेगा, फर्स्ट भी आएगा सेकंड भी आएगा। थर्ड क्या बोलता है, इट शैल नॉट पब्लिश द स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय इट अंडर इट्स कंट्रोल, वो ऐसा नहीं करेगी सर, उसको ये डॉक्यूमेंट भी शो करने पड़ते हैं, उसको कैटेगरी बतानी पड़ती है कि किन किन कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्लेस्ड हैं, तो थर्ड तो गलत हो गया, अगर ये नोट ना होता ना तो थर्ड भी आता, तो आंसर जो आएगा 58 का डेट इज द 1 and 2 बोलते बी ऑप्शन। 59 हु रिसीव एप्लीकेशन अंडर द आरटीए 2005 के अंदर जो है वो एप्लीकेशन कौन रिसीव करता है, एक तो करता है पीआईओ जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन करता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, और अगर पीआईओ नहीं है तो सब डिवीजन लेवल पे जो एपीआईओ होता है या तो करेगा पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, या अगर वो नहीं है तो फिर कौन करेगा एपीआईओ करेगा, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा डी बोथ ए एंड बी। आगे हाउ कुड ए पीआईओ रिसीव एप्लीकेशन, एक पीआईओ जो है वो एप्लीकेशन को कैसे रिसीव करता है, मतलब अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड करनी है किसी पब्लिक अथॉरिटी के अथॉरिटी से तो आप कैसे अपनी एप्लीकेशन दोगे, तो आप बाय हैंड भी दे सकते हो, बोलो हाँ जी दे सकते हैं, मेल कर सकते हो, यस, किसी अनदर पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकते हो, हाँ जी बोल सकते हैं, फॉरवर्डेड बाय द एपीआईओ, यस, एपीआईओ अगर बोलता है एपीआईओ पीआईओ को बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ तो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये सारे मोड है जिनके थ्रू जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आंसर आएगा डी।
आगे द एरिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड आईपीआर के अंदर क्या क्या आएगा सर, आईपीआर के अंदर कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, और आईपीआर के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन वो भी आता है, बट लेआउट डिजाइन जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का वो आईपीआर के अंदर नहीं आएगा। अगर बात करते ना, अगर ट्रिप्स की बात करता, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उसके अंदर चार हुआ थे, लेकिन ये अगर नॉर्मल बात करें तो ये तीन आईपीआर की कैटेगरी में आते हैं, बट ये जो लेआउट डिजाइन है ये ओनली ट्रिप्स के अंदर इंक्लूड होता है, बाकी इंक्लूड नहीं है। तो आंसर जो आएगा 61 का वो क्या आएगा, सी 1, 2, 3। आगे पेटेंट एबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप अपने जो आपने इन्वेंशन करी है उसको पेटेंट करवा सकते हो, तभी अगर वो क्या है, नोवल है, वो इन्वेंशन कैसी है, एकदम नई है। दूसरा, वो एक इन्वेंटिव स्टेप है सोसाइटी के लिए। तीसरा, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों कंडीशन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, तो आप अपने जो फॉर्मूला है उसका आप पेटेंट करवा सकते हो। तो आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कन्वेंशन ऑफ द पेटेंट प्रोटेक्शन, पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पुरानी कन्वेंशन जो है वो कौन सी है, बर्ने कन्वेंशन, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, अगर आपको पेटेंट जो है वो ग्रांट करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है वो उसके लिए मतलब मेन चीज आप क्या चेक करते हो, तो हम ये देखते हैं कि पेटेंट तभी मिलेगा अगर जो टेक्निक आपने खोजी है वो कैसी है, नोवल है, नोवेलिटी मतलब न्यू टेक्निक है। आगे विच ऑर्गेनाइजेशन अटेंड टू साइबर स्क्वैटिंग रिलेटेड केसेस, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर स्क्वैटिंग जो केसेज है उसको देखती है, तो वो है जी विपो, वर्ल्ड इंटरनेशनल, जो आपकी वर्ल्ड लेवल पे जो जो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके राइट्स हैं तो उनके प्रोटेक्शन का काम करती है, तो उसका नाम है विपो। तो विच ऑर्गेनाइजेशन अटेंड टू साइबर स्क्वैटिंग रिलेटेड केसेस, तो साइबर स्क्वैटिंग रिलेटेड केसेस जो है वो संभालती कौन है, विपो। आगे व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट कॉपिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय कॉपीराइट प्रोटेक्शन, अगर आपको जो है वो अपने कॉपी क्या करना है, रोकना है, मतलब कॉपीराइट आपने करवा रखा उसको जो है वो क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो जो क्लेमेंट डिजाइनर होगा मस्ट हैव क्रिएट द डिजाइन, तो जो क्लेमेंट का जो डिजाइनर होगा ना वो ऐसा डिजाइन क्रिएट करेगा फॉर क्लेमेंट प्रोडक्ट के लिए इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग और मॉडल डेट इज एन आर्टिस्टिक वर्क, आप इस तरीके से फ्रेमिंग करोगे जो एक आर्टिस्टिक वर्क हो, फिर दूसरा पर्सन आपके सामान को जो है वो कॉपी नहीं कर सकता, तो आंसर रहेगा डी। टू क्वालिफाई फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, अगर आपने जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन करवाना है, वट मस्ट द वर्क बी, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहला अगर आपको कॉपीराइट करवाना है तो काम कॉपीराइट वाला काम जो है वो कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए टू द मिनिमम डिग्री, एंड इज फिक्स्ड इन टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, आंसर आएगा ए। आगे व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द प्लैगमिज्म, प्लैगमिज्म जो आता है बेसिकली उसका फीचर जो है वो क्या होता है, प्लैगमिज्म का जो मेन फीचर है वो ये होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के कोऑपरेटेड काम को जो है वो क्या करता है, यूज करता है बिना उसको इन्फॉर्म करे, तो आंसर रहेगा ए। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, बोलता है डेटा मटीरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी डेटा को आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अगर मेंटेन कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन है, हाँ जी सर वो इन्फॉर्मेशन है। फिर बोलता है द टाइम लिमिट जो है, अगर पर्सनल अगर आपने किसी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन की अगर आपको डिमांड चाहिए, ठीक है, तो 48 घंटे का टाइम पीरियड होता है आरटीआई में, जी, तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट है, आंसर आएगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे 70 क्वेश्चन बोलता है पेटेंट राइट जो है एक्सक्लूसिव राइट होता है, जो पेटेंट राइट एक्सक्लूसिव राइट है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर बोलता है द नेचुरल अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज पेटेंटेबल इन इंडिया, ऐसा ही क्या, नहीं सर, जो नेचुरली अकरिंग हो गया तो उसको पेटेंट करवाने की क्या जरूरत है, वो तो मदर नेचर ने वैसे उसको जो है वो अकर कर दी है, तो आंसर जो आएगा ओनली स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, करेक्ट है, बोल दो ए। आगे मैचिंग करना था, पेटेंट जो है वो क्या है, पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट है जो ओनर को मिलता है फॉर इन्वेंशन टू मेक यूज मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड, ठीक है जी। ट्रेडमार्क की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क क्या है अगर बात करूं ट्रेडमार्क का, तो ट्रेडमार्क ए विजुअल सिंबल है विच मे बी ए वर्ड टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द गुड सिग्नेचर नेम, ठीक है। और कॉपीराइट जो है वो क्या, कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है टू डू और ऑथराइज द डूइंग द लिटरेचर ड्रामेटिक एंड द आर्टिस्टिक वर्क, सी का हो गया वन, तो 71 का बैठेगा बी, तो 72 भी सेम था ये, इसका भी बी है आपका। आगे ए कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस इज कॉल्ड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर एग्री होगा कि मैं बायर को जो है वो प्रॉपर्टी क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आगे डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर प्रोवाइड दैट इट इज द ड्यूटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर बोलता है कि ये बायर की ड्यूटी है कि जब कभी भी वो सामान को परचेस करेगा वो सामान सही क्वालिटी का होना चाहिए, तो आंसर आएगा बी।
आगे वेयर ए सेलर हैज बीन पेड बाय चेक, अगर सेलर जो है उसकी पेमेंट करते हैं हम चेक से एंड द चेक हैज बीन डिसओनर्ड, और चेक जो है वो क्या हो गया डिसओनर हो गया, तो सेलर जो है वो क्या हो जाएगा अनपेड सेलर हो जाएगा बी। एन अनपेड सेलर के पास में राइट है कि वो रिटेन कर सकता है गुड्स को, ठीक है, अंटिल कब तक द प्राइस, अंटिल द प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेड, जब तक उसका जो है पेमेंट नहीं मिलती है। तो दिस राइट इज कॉल्ड, तो ये जो राइट होता है इसको क्या बोलते हैं, इस राइट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ लीन, मतलब जब तक गुड्स ना मिले तब तक आप उसको जो है अपने पास रिटेन करके, जब तक आपको पैसा ना मिले तब तक आप उन गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। आगे व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स उधार पे बेचे गए एंड द क्रेडिट पीरियड इज नॉट एक्सपायर्ड, लेकिन क्रेडिट पीरियड अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ तो क्या आप अनपेड सेलर हो जाओगे, नहीं सर, जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, मान लो एक महीने का टाइम पीरियड दिया लेकिन अभी 20 दिन हुए हैं तो जब तक 10 दिन एक्स्ट्रा और नहीं हुए थे तब तक जो है आप अनपेड सेलर की कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे। तो इसका एक मिनट रुकना, तो इसका जो आंसर रहेगा 66 का, डेट इज डी ऑप्शन। एक मिनट रुको यार, ये कहां पहुंचे हमें 7। जी रहा, वेन द गुड्स आर सोल्ड, अगर गुड्स उधार पे बेचे गए और क्रेडिट एक्सपायर नहीं हुआ तो सेलर जो है वो क्या है, द सेलर इज जो है वो अभी तक अनपेड सेलर नहीं है, तो सेलर इज नॉट कॉल्ड एन अनपेड सेलर, तो 77 का सी आएगा। आगे 78, टर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ स्टॉपेज टेक प्लेस वेन, मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज जो है आपका, ठीक है, वो कब आपका टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये राइट जो है वो कब आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला, अगर बायर या उसका एजेंट जो है वो डिलीवरी ले ले तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट वाला जो आपका जो वो था राइट था वो खत्म हो जाएगा, या फिर जब गुड्स जो है वो बायर क्या कर दे उसको रिजेक्ट कर दे तो भी आपका जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट है वो खत्म हो जाएगा, या फिर करियर जो है वो रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दे, मतलब जो सामान पहुंचाने वाला बंदा जो था वो ही मना कर दे कि मैं गुड्स आपको डिलीवर नहीं करूंगा तो भी आपका जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट क्या हो जाएगा खत्म। तो आंसर आएगा डी। आगे गुड्स आर डीम टू बी इन, गुड्स जो है वो उनको क्या माना जाएगा, फ्रॉम द टाइम वेन दे आर डिलीवर टू द करियर और बेली अंटिल, मतलब बायर के पास पहुंचे नहीं है लेकिन आपके यहां से गुड्स निकल गई है लेकिन बायर के पास नहीं पहुंचे तो क्या माना जाएगा कि गुड्स जो है वो कहां पे हैं अभी ट्रांसिट में, तो 79 का ए। आगे इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, अगर गुड्स को रिजेक्ट कर दिया किसने बायर ने एंड द कैरियर, और जो कैरियर है या अदर बेली है वो उनके पास वो अभी भी उन गुड्स को पोजेशन के अंदर लिए हुए हैं, मतलब आपने गुड्स बेची थी और बायर के लिए भेजी और बायर ने जो उनको लेने से क्या करते हैं मना कर दिया लेकिन गुड्स अभी भी किसके पास में कैरियर के पास में है, देन द, तो उसके बाद में क्या होगा, तो वो जो ट्रांसमिटेड जो गुड्स हैं इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड, तो गुड्स का मतलब उनको अभी भी ये माना जाएगा कि वो ट्रांजिट के अंदर ही है इवन इफ चाहे सेलर भी उसको लेने से जो है वो क्या कर दे मना कर दे। तो 80 का जो आंसर आएगा इट इज बी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एज पर द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपका है 1881 उसके अंदर सेक्शन 13 दिया गया और उसके अंदर ये बोलता है कि नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, बोले तो डी। आगे एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम इज कॉल्ड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक अनकंडीशनल प्रॉमिस दिया जाता है कि सर्टेन सम का जो है पेमेंट किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी प्रोमिसरी नोट सी। चेक हमेशा जो है वो पेबल होता है ऑन डिमांड, जाओगे तो ही आपको जो है पेमेंट मिलेगा, घर पे बैठे बैठे बैंकर कभी भी आपको जो है वो पेमेंट नहीं करेगा। आगे व्हेन ए पार्टी लायबल अंडर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेक डिफॉल्ट इन द ड्यू कोर्स, अगर वो सॉरी पेमेंट मेक पेमेंट इन द ड्यू कोर्स, तो इंस्ट्रूमेंट जो वो क्या हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज माना जाएगा कि क्योंकि पेमेंट जो लेनी थी अगर वो मिल गई है ड्यू कोर्स में तो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा। When a party to the negotiation instrument refuse, अगर वो मना कर दे कि वो accept और pay the instrument, it is called, तो उसको क्या मान लेंगे, तो उसको मान लेंगे जी हम जो हम लोग क्या dishonor, कि हमारा वो जो negotiable instrument है वो क्या हो गया dishonor A। Which of the following is a mode of discharge the negotiable instrument, negotiable instrument कैसे कैसे discharge हो सकता है, तो payment अगर आप payment कर दोगे तो भी आपका negotiable instrument जो है वो क्या हो जाएगा discharge हो जाएगा, अगर जो पार्टी जो है जो पेमेंट करने की लायबिलिटी वही होल्डर बन गई मतलब खुद को ही पेमेंट अगर करना पड़ जाए तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा, या अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कर दिया मटेरियल अल्टरेशन कर दिया, ठीक है, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका डिस्चार्ज माना जाएगा। तो आंसर रहेगा डी। फिर स्टेटमेंट का आ गया, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर सेलर इज नॉट बाउंड, बोलता है कैविट एम्प्टर के हिसाब से सेलर बाउंड नहीं है
टू सप्लाई द गुड्स गेट सर्व पर्टिकुलर पर्पस ऑफ बायर, अगर बायर पर्टिकुलर पर्पस के बारे में पहले बता दे तो वहां पे अब कैविट वेंट एंटर का रूल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बायर ने पहले बता दिया कि मुझे इस पर्पस के लिए सामान चाहिए, तो अब आपको सामान उसी पर्पस वाला देना पड़ेगा। अगर वो सामान उस पर्पस वाला नहीं निकला तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन जो है वो तो क्या हो गया जी, आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बोलता है नोट बाउंड, जबकि अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बाद में पहले बता दिया भाई इस पर्पस के लिए मुझे सामान चाहिए, तो फिर वहां पे सैलरी की ड्यूटी बनती है कि वो उसी पर्पस के लिए सामान देगा। अगर वो सामान उस पर्पस के अनुरूप नहीं निकला तो बायर जो है वो सैलरी के ऊपर केस कर सकता है, वहां पे कैविट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलती है, व्हेन द बायर ट्रस्ट ऑन द स्किल एंड द जजमेंट ऑफ द सेलर, अगर बायर जो है वो उनके ऊपर ट्रस्ट करता है तो सेलर कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। ये बात बिल्कुल सही है, अगर बायर ने सीधा सेलर को ये बोल दिया कि आप अपने हिसाब से जो बेस्ट होता है वो करवा दो, तो कल को जो सामान अगर वो खराब निकल गया तो अब आप जो है वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट टू जो है वो क्या है, ट्रू है। तो 87 का आ गया बी। आगे 88, पहले बोलता है चेक जो है वो क्या है जी, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं होती, और उसमें एक ऑर्डर होता है जो बैंकर को किया जाएगा टू पे द सम मेंशन इन द चेक, जितना अमाउंट चेक में लिखा गया उसका पेमेंट कर देना, ये सही है। फिर बोलता है चेक कैन बी ड्रोन ओनली बाय द पर्सन हु हैज हिज अकाउंट विद द बैंक व्हाइल ए बिल कैन बी ड्रोन बाय एनी पर्सन, बिल्कुल सही बात है, चेक वही पर्सन जो है ड्रॉ कर सकता है जिसका बैंक के अंदर अकाउंट है, ये भी सही है। चेक में भी क्रॉस बट ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस, चेक जो है वो क्रॉसिंग वाला होता है सिक्योर्ड करने के लिए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉसिंग नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा क्या, डी, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे असर्शन बोलते हैं एन अनपेड सेलर में सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनपेड सेलर जो है वो बायर के ऊपर केस कर सकता है अगर उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, बताइए कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल कर सकता है। आगे अनपेड सेलर में रीसेल, अनपेड सेलर अगर चाहे तो वो गुड्स को रीसेल कर सकता है अगर वो गुड्स कैसी है, पेरिशेबल नेचर की है, ये बिल्कुल कर सकता है, दोनों बातें सही है बट दोनों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है, तो आंसर आएगा बी। आगे जीएसटी एलिमिनेट करता है द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी जो है वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है कास्केडिंग इफेक्ट को, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स को जो है जीएसटी ने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला जीएसटी एक कॉमन और ये यूनिफाइड टैक्स है, यूनिफाइड है मतलब ये है वन नेशन वन टैक्स, इसी वजह से तो उसने क्या कर दिया, जो कास्केडिंग इफेक्ट थे उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, बोले तो ए। आगे मैचिंग करना है जी, चेक इज ऑलवेज लोन टू द बैंकर होगा जी, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, साइंड होता है बाय द ड्रॉयर और प्रॉमिसरी नोट मस्ट करने एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, और प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस होता है कि हम आपको कुछ समय के बाद में इसमें लिखी गई राशि का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। तो 91 का हो गया सी। लो जी अब आगे देखते हैं, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी थर्ड फाइल को। तो थर्ड फाइल का पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है आरटीए एक्ट से, क्वेश्चन बोलता है पीरियड फॉर डिस्पोजिंग द फर्स्ट अपील, आरटीए एक्ट के अंदर अगर जो पहली अपील हमने फाइल की थी तो उसको कितने दिनों के अंदर अंदर जो है कैन बी एक्सपेंड बाय, वो 30 दिन के बाद, वैसे तो ना 30 दिन का पीरियड होता है, ठीक है, फर्स्ट अपील को 30 दिन के अंदर हम फारिग करेंगे, अगर 30 दिन में नहीं हो पाया तो फिर आगे 15 दिन का एक्सटेंशन जो है वो और मिल जाता है, तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, 15। तो क्वेश्चन क्या था, पीरियड फॉर डिस्पोजिंग द फर्स्ट अपील कैन बी एक्सपेंड बाय 15 डेज फ्रॉम 30 डेज इफ नेसेसरी, ठीक है जी। आगे लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीए एक्ट, जो आपका आरटीए एक्ट आया था वो क्यों आया था, इंडिया के अंदर सन 2005 के अंदर आरटीए एक्ट 2005 जो है वो एनेक्ट किया गया, और जो आरटीए एक्ट आया उसका बेसिक एम जो था वो ये था कि हम गवर्नेंस के अंदर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने गवर्नेंस के अंदर क्या लेके आना चाहती थी, ट्रांसपेरेंसी, तो आंसर आएगा ए। आगे सेकंड अपील टू द सीआईसी, अगर देखो पहली अपील जाएगी आपकी, ठीक है, अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर सेकंड अपील के अंदर आप जाएंगे कहां पे, इन्फॉर्मेशन कमीशन पे, ओके। इन्फॉर्मेशन कमीशन दो लेवल पे काम करते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल लेवल पे, एक है कौन सा, स्टेट लेवल पे। तो बोलता है सेकंड अपील जो है टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन, कितने दिनों के अंदर वो जो है वो अपील में जा सकता है, तो वो पीरियड होता है कितना, 90 दिनों का, कितने दिनों का, 90। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी, 90 डेज फ्रॉम द डेट टू विच द डिसीजन वॉज गिवन और शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। तो पहली एपिलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन आ गया उसके 90 डेज के अंदर आप जो है वो सेकंड अपील लेके जाएंगे कहां पे, सीआईसी या फिर एसआईसी के पास में। आगे
बोलता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूड, जो आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, मतलब सीआईसी की अपॉइंटमेंट जो है जो कमेटी करती है, उस कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? तो उस कमेटी के अंदर आपका पीएम भी होते हैं, उस कमेटी में लीडर होता है अपोजिशन इन द लोकसभा एंड वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे आरटीए एक्ट गिव राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आरटीए एक्ट जो है वो पब्लिक सिटीजन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि अगर वो चाहें तो वो किससे इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं, वो है जी आपकी कौन, पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। सी, आगे सीआईसी इज अपॉइंटेड बाय, जो अपना सीआईसी होता है सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, उसको अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ए, आगे बोलते हैं अंडर आरटीए एक्ट है, आरटीए एक्ट के अंडर द ग्राउंड फॉर कंप्लेंट कुड बी, आरटीए एक्ट के अंदर जो कंप्लेंट के जो ग्राउंड है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आरटीए एक्ट के अंदर कंप्लेंट के जो ग्राउंड है वो है बीइंग आस्क्ड टू पे एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फी। ठीक है, अगर मान लो आप कंप्लेंट कब करोगे, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी लेकिन आपसे जो है वो अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फीस मांग लिया, तब भी हम जा सकते हैं। बींग गिवन इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपसे जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन की डिमांड की गई, मतलब आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भी आप जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं, या एनी मैटर रिलेटेड टू द रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू द रिकॉर्ड। तीनों केसेस के अंदर आप जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 7 का ए। आगे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B(11) ऑफ द आरटी एक्ट स्टेट्स दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। पब्लिक अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, पब्लिक अथॉरिटी जो है वो पब्लिश करेगी क्या क्या, बजट एलोकेट टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, हर उसकी एजेंसी को कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट से मिलता है, प्लस प्रपोज एक्सपेंडिचर कितने हैं, प्लस रिपोर्ट ऑन द डिसबर्समेंट मेड, किस तरीके से उसने जो है वो खर्चा किया, उसकी रिपोर्ट भी आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा क्या, डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं यूज ऑफ द इन्फॉर्मेशन आईडिया डेटा ऑफ। IPR जो है वो आपके इन्फॉर्मेशन या आइडियाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो किस नेचर के हैं, जो कमर्शियल नेचर के हैं। सी, आगे IPR इंडिया कवर, इंडिया के अंदर जो IPR है वो कवर करता है किस चीज को, तो इंडिया के अंदर जो IPR है वो कवर करते हैं आपके पेटेंट को, वो कवर करता है कॉपीराइट को, वो कवर करता है ट्रेडमार्क को। तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे दो स्टेटमेंट आपको यहां पे दे रखी है, इनमें से बताना है आपको। सबसे पहला जो है वो है, बोलता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर। अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा लिया तो आपको एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट मिलेगा उस पर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, ये असर्शन ओके है। रीजनिंग में बोलता है ए ट्रेडमार्क जो है वो एक रिकॉग्नाइजेबल साइन होता है, डिजाइन है या एक्सप्रेशन है जो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को या सर्विस ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड आर यूज टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्ट है, सर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि वो जो साइन होगा, डिजाइन होगा, एक्सप्रेशन होगा, उसको सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर आएगा ए, बहुत असर्शन रीजनिंग ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। आगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेटेंट, इनमें से कौन से जो पेटेंट के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये बताना है आपको। पहला, पेटेंट एक लीगल प्रोटेक्शन है ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन दैट इज न्यू। बिल्कुल सही बात है, पेटेंट तभी मिलेगा अगर आपकी इन्वेंशन नई है, नॉन ऑब्वियस नेचर की और यूजफुल है, ये तो सही है स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोलती है, पेटेंट ग्रांट करता है पेटेंट होल्डर को एक्सक्लूसिव राइट कि वो उसको जो है यूज करके क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, सेल कर सकता है पेटेंटेड प्रोडक्ट को। ये बात भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने पेटेंट करवा लिया तो आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा। आगे एक्सक्लूसिव पर्पस जो है पेटेंट सिस्टम का वो ये है कि वो बेनिफिट देना चाहते हैं किसको, पेटेंट होल्डर को। ऐसा है क्या, मतलब हमारा जो मेन पर्पस है पेटेंट सिस्टम को ले जाने का वो सिर्फ यही है कि हम पेटेंट होल्डर को बेनिफिट देना चाहते हैं? नहीं सर, ओनली पेटेंट होल्डर नहीं, वो आगे जिसको अपने पेटेंट को आगे देता है जिस पर्सन को, तो वो उसको बदले में रॉयल्टी देगा, तो उसको भी बेनिफिट है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। मतलब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3। तो पेटेंट के रिगार्डिंग ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आगे दो स्टेटमेंट दिया गया, पहला IPR इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इनटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। IPR के अंदर वो IPR जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आती है ह्यूमन क्रिएशन, इनटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन के माइंड से, ह्यूमन ने अपने दिमाग से जो है वो कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल कोई चीज, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बेस पर जो है उसने कोई ऐसी एसेट क्रिएट करी है। ठीक है, वो सब आती है किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो ये बात जो है वो बिल्कुल क्या है जी, आपकी सही है, करेक्ट है। फिर रीजनिंग जो है वो क्या बोलती है, स्टेटमेंट 2 जो है वो बोलता है कि IPR डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट इन द मोरल राइट। IPR के अंदर ट्रेड सीक्रेट नहीं आते, सर ये तो गलत है, IPR के अंदर जो है वो ट्रेड सीक्रेट भी आते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट 2 इज इनकरेक्ट। आगे
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द आईपीआर, मतलब ट्रिप्स के अंदर जो है, ट्रिप्स बेसिकली जो है वो किस रिपोर्ट या कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आया था, तो ट्रिप्स को जो है वो डाला गया था किसके अंदर, बेसिकली दोहा म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस हुई थी डब्ल्यूटीओ की, ये ट्रिप्स जो है वो था आपके डब्ल्यूटीओ के अंदर आया था, तो ट्रिप्स बेसिकली दोहा म्युनिसिपल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इसका मुद्दा उठा था। आगे एरिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेकिन अगर मान लीजिए बात करता है किसका, ट्रिप्स की बात करता, अगर ट्रिप्स की बात करता तो ट्रिप्स के अंदर ये जो लेआउट डिजाइन था इंटीग्रेटेड सर्किट का, ये भी इंक्लूड होता, बट यहां पे कुछ भी नहीं बोले तो फिर आप सीधा बोलोगे क्या कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका आएगा वो क्या क्या आएगा, उसमें कॉपीराइट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो आंसर आएगा 1, 2, 3 थर्ड। आगे बोलता क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू जो है उसमें क्यू जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, तो क्यू जो है वो स्टैंड करता है मोनोपोली के लिए जो ग्रांटेड किया गया फॉर द टर्म ऑफ द पेटेंट। सेकंड क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है, दिस फॉर डेट। ओके, तो अगर आप जो है वो पेटेंट को क्या करते हो कि आपने अपने किसी भी इन्वेंशन को जो है पेटेंट करवा लिया, देन उसके बाद में आपको जो है उसका क्या मिलेगा, मोनोपोली राइट मिल जाएगा कि आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आगे जीएसटी के बारे में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द जीएसटी, जीएसटी के अंदर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है सही है, जीएसटी के फीचर्स की बात की गई है, ये भी थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। पहला जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो कंज्यूमिंग स्टेट होती है, जहां पे गुड्स का कंजम्पशन होता है उसको सामान उसको टैक्स मिलेगा। दूसरा ये बेनिफिट करता है प्रोड्यूसिंग स्टेट को, नो सर, ये बेनिफिट जो है वो करता है किसको, कंज्यूमिंग स्टेट को, ये सही है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जीएसटी जो है वो क्या आपका प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्सेशन है, नहीं सर ये रिग्रेसिव नेचर का है। और आगे इट इज एन, क्योंकि जीएसटी का रेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे इट इज एन अम्ब्रेला टैक्स टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी बिल्कुल ये बात एकदम सही है, ये एक अम्ब्रेला टैक्सेशन है, इसमें कई सारी चीजें प्रावधान आते हैं और जिसकी मदद से जो है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बिजनेस करने का जो वे है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ए सी एंड ई, ए सी ई बोल दो फोर्थ ऑप्शन, तो 17th का 4। आगे जीएसटी को अपने इंडिया के अंदर जो है वो प्रपोज किया बाय द टास्क फोर्स, मतलब एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो हेड थे वो हेड थे कौन आपके, विजय केलकर ए। आगे जीएसटी डज नॉट इंक्लूड ऑल द एक्साइज ड्यूटी कैरिंग गुड्स, जीएसटी के अंदर जो है जो एक्साइज ड्यूटी वाली, मतलब जिन गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है उन गुड्स को जीएसटी में कवर नहीं करते। फंड द नॉन जीएसटी कॉमोडिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये आपको कुछ पर्टिकुलर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी कॉमोडिटी है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पहला हाई स्पीड डीजल, जी बिल्कुल इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो ये जहाज जब उड़ते हैं ना तो उनके अंदर जो फ्यूल लगता है उसको एटीएफ बोलते हैं, इसे भी जीएसटी नहीं है। पेट्रोलियम क्रूड पे जीएसटी नहीं है। मोटर स्पिरिट ऑफ द पेट्रोल के ऊपर भी जीएसटी नहीं है, तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। आगे What is the correct sequence of the distribution of the amount lies under the section 154 of the CGST rule? अगर CGST के हिसाब से अगर आपने कोई जो है वो पैसे की रिकवरी करी है तो उसका appropriation जो है वो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो CGST का पैसा जो रिकवर किया गया उसको हम लोग जो है वो appropriate करेंगे against the administrative cost of the recovery, A। करने के बाद में फिर हम लोग जो है फिर क्या करने वाले, अप्रोप्रिएट करेंगे अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू बी रिकवर फ्रॉम द डिफॉल्टर, सी। इसके बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे उसको अप्रोप्रिएट करेंगे, अगर मान लो आईजीएसटी एक्ट में अगर उससे कोई पैसा लेना था वो डिफॉल्टर था आईजीएसटी एक्ट में भी, तो उसे रिकवरी करेंगे। और लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट होगा उसको रिफंड कर देंगे किसको, डिफॉल्टर को, डी। तो 20 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉस्ट शीन, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसने अपनी शीन, अपनी चमक खो दी जीएसटी लोगे आने के बाद? तो जीएसटी बेसिकली एक टैक्सेशन पॉलिसी है, ओके, और टैक्स जो है वो आते हैं किसके अंदर, आपके फिस्कल पॉलिसी में। तो जब से जीएसटी आया तब से फिस्कल पॉलिसी ने जो है वो अपनी चमक जो है वो थोड़ी सी खो दी है, तो आंसर जो आएगा इसका वो है फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि जीएसटी के अंदर काफी ऐसे प्रावधान किए गए जो पहले प्रावधान किसके अंदर थे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर थे, तो अब उनकी कोई महत्व नहीं रह गई। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, इनमें से कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया, तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो आंसर जो आएगा ओनली 1, 23 का 1। आगे करंटली व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब जो है न्यू टैक्स सिस्टम का, जीएसटी का जो हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब है वो है कितना, 28%, 3। आगे जीएसटी इंप्लीमेंट किया इंडिया के अंदर कब, 1 जुलाई 2017 को, डी।
आगे इंडिया के अंदर जीएसटी बेस है ऑन द ड्यूअल मोड जीएसटी, इंडिया के अंदर जो है वो ड्यूअल मोड जीएसटी है विच इज एडोप्टेड इन, जो कहां पे एडोप्ट किया गया था पहले, तो वो एडोप्ट किया गया था बेसिकली कहां, कनाडा। आगे जीएसटी कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, जीएसटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जीएसटी क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो वो बेस्ड है किसके ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर। मतलब ये है कि जिस स्टेट के अंदर गुड्स प्रोड्यूस है उस स्टेट को जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है, जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम हो रही है उस स्टेट को पैसा मिलेगा। तो जीएसटी जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो 27 का आएगा डी। आगे इंडिया के अंदर जीएसटी मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताइए कौन कौन से है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो क्या है, चार, सीजीएसटी आईजीएसटी ये सब। आगे जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, जो जीएसटी के जो रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं बेसिकली, तो जीएसटी के रेट है 0% भी है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है और 28 भी है सी। इसमें थोड़ा चेंज है, मैं वो करवा दूंगा आपको भी। आगे टैक्स विच आर लेवी ऑन द इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट अगर परचेस किया, मतलब एक ही स्टेट के अंदर जो है अगर परचेस करता है तो उसके ऊपर बताइए किस कौन सा टैक्स लगेगा। अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो उसके ऊपर आपका एसजीएसटी तो लगेगा प्लस में सीजीएसटी लगेगा बी। आगे आईजीएसटी के अंदर आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, आई का मतलब जो है वो क्या, इंटीग्रेटेड। आगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस में, एग्रीमेंट हो और प्लस में वो एग्रीमेंट कैसा हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो सब एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर इम्पॉसिबल एक्ट है, मतलब एक्ट ऐसा है जो इम्पॉसिबल नेचर का, उसका अगर आप कोई एग्रीमेंट कर दोगे तो वो एग्रीमेंट जो है वो कैसा होगा, वो होगा वॉइड। आगे एन एडवर्टीजमेंट टू सेल थिंग्स बाय ऑक्शन, अगर आपने जो है वो क्या किया, आपने एडवर्टाइजमेंट किया कि आप अपने गुड्स को जो है वो ऑक्शन के जरिए जो है वो क्या कर रहे हो, बेचना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, आपने ऑक्शन करी, बोली लगवाई, तो उसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर बी। Which of the following is indicated by the abbreviation limited at the end of the company name? इनमें से कौन सा indicate करता है abbreviation limited को at the end of company name? अगर company के नाम के पीछे जो है वो क्या लगा हुआ है, अगर उसके company के नाम के पीछे जो है वो limited word लगा हुआ है तो वो किस चीज को जो है वो denote करेगा, तो वो denote करेगा कि company की shares है may not be offered to the public। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट बाय द एब्रीवेशन लिमिटेड, इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है बाय द एब्रीवेशन लिमिटेड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, नहीं वो तो प्राइवेट लिमिटेड हो जाए, शेयर्स मे नॉट बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, ऐसा हो सकता है शेयर जो है वो ऑफर्ड ना किए गए पब्लिक पे, तो आंसर आएगा बी। आगे ए रिटन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर आपने जो है वो कंपनी के अंदर जो है जैसे कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए कंपनी जो है रिजोल्यूशन पास करती है, तो बोलता है रिटन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है उसके लिए क्या जरूरी है, इट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे आप जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को जो है वो आप पास करवाते हैं, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है वो पास होता है कैसे, जो एक्चुअल वोटिंग होती है उसके 50% ज्यादा से, मतलब जो जितने लोगों ने वोट दिया अगर 50% से ज्यादा वोट फेवर में आ गया तो आपका जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, पास। तो 36 का आएगा ए। आगे ए सब बेली इज ए पर्सन टू होम द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड बाय समवन, सब बेली कौन है, सब बेली एक ऐसा पर्सन है टू होम जिसको एक्चुअल पोजेशन जो है गुड्स की वो ट्रांसफर्ड की बाय समवन, किसके द्वारा बेसिकली जो है वो ट्रांसफर किया गया, या तो जो हिमसेल्फ नॉट एन ओनर ऑफ द गुड्स वो, या हु हैज द प्रेजेंट हाई राइट, जिसके पास में जो है प्रेजेंट राइट है गुड्स को पोजेशन करने का एज ए बेली के तौर, बेली ऑफ द ओनर, तो आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन क्या है, बोला सब बेली जो होता है वो कौन होता है, सब बेली एक ऐसा पर्सन है टू होम जिसको एक्चुअल, टू होम द एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, जिसको एक्चुअल पोजेशन जो है गुड्स की ट्रांसफर की गई है किसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया, हु इज बाय समवन हु इज हिमसेल्फ नॉट एन ओनर, या तो वो खुद ही ओनर नहीं है गुड्स का, या हु हैज ए प्रेजेंट, जिसके पास में अभी आज के डेट में जो है वो गुड्स को होल्ड करने का जो है वो क्या है, राइट है, पोजेशन का जो है वो क्या है, राइट है, तो आंसर आएगा सी। आगे ए ने सप्लाई किया बी को, बी जो कि एक लूनेटिक था, बी को एक पागल इंसान था, उसको जो है ए ने क्या किया, नेसेसिटी सप्लाई कर दी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, तो बताइए अब ए को क्या मिलेगा। देखो वैसे तो बी क्योंकि वो लूनेटिक है तो वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्टैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इनकैपेबल पर्सन को भी नेसेसरी अगर प्रोवाइड करवा दो ना, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होता है, तो अब उसकी मतलब आप उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो है वो अपने पैसे को जो है वो रिकवरी कर सकते हो। तो यहाँ पे ए एंटाइटल है, ए के पास में पावर है क्या कि वो रिमबर्स कर सकता है फ्रॉम द बी प्रॉपर्टी, आंसर आएगा ए। आगे एन एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ही नहीं है तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, वॉइड एग्रीमेंट। आगे
विच पार्टी आर बाउंड बाय द टर्म ऑफ द टेंडर व्हेन वन पार्टी सबमिट ए टेंडर. विच पार्टी आर बाउंड, कौन सी ऐसी पार्टी है जो बाउंड हो जाएगी टर्म्स ऑफ टेंडर से व्हेन वन पार्टी सबमिट, अगर एक पार्टी ने जो है वो टेंडर को क्या किया, सबमिट किया, ठीक है, तो कौन सी पार्टी बाउंड हो जाएगी. मैंने टेंडर निकाला था, आपने अपना टेंडर जो है वो क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आप जो है वो क्या हो जाएंगे, बाउंड. तो द पर्सन सबमिटिंग द टेंडर, जो पर्सन सबमिट करता टेंडर को, तो वो जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा ए, क्योंकि मैंने तो अभी ऑक्शन लगाई है और आपने अपना टेंडर जो है वो मेरे को दे दिया, ठीक है, बिडिंग आपने अपने बिड लगा के दे दी, तो अब आप उसके लिए जो है वो क्या हो जाएंगे, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. हाँ, मेरे पास अभी जो मैं कौन हूं, मैं हूं जो जिसने टेंडर की क्या की रिक्वेस्ट की है, तो मैं उसके लिए अभी भी लायबल नहीं हूंगा. आगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ ए बिड एट एन ऑक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करते हैं तो बिड जो है एट एन ऑक्शन पे जो बोली लगती है इज विच ऑफ द फॉलोइंग, वो बेसिकली क्या होती है, तो बिड जो है वो क्या है, एक ऑफर होता है, जो बोली लगाता है वो बेसिकली हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, इट इज एन ऑफर. आगे, ए ने सप्लाई किया वाइफ को एंड चिल्ड्रन ऑफ द बी ए लुनेटिक विद नेसेसरी. ए ने जो है बी की वाइफ को और बी के बच्चों को जो है वो क्या प्रोवाइड किया, नेसेसरी सप्लाई करी, ठीक है, सुटेबल टू दिस कंडीशन ऑफ इन लाइफ, मतलब जो उनकी जीवन जीने के लिए जो है वो क्या थी, जरूरी थी. तो बताइए फिर क्या, तो यहां पे ए जो है वो क्या है, एंटाइटल है कि वो बी की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो है अपने पैसे को रिम्बर्स करवा सकता है. तो आंसर आएगा ए, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स फ्रॉम द बी प्रॉपर्टी. आगे, फॉर नेसेसरी ऑफ लाइफ, नेसेसरी ऑफ लाइफ के लिए जो है कौन लायबल है बेसिकली, तो नेसेसरी ऑफ लाइफ के लिए जो है माइनर की एस्टेट, माइनर लायबल नहीं होगा कभी भी, उसको पर्सनली आप जो है केस नहीं कर सकते, उसकी एस्टेट को बोला तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप जो है वो लायबल कर सकते हो. तो आंसर आएगा बी, गार्जियन को भी दोषी नहीं ठहरा सकते. आगे, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, जो स्पेसिफिक ऑफर है उसको एक्सेप्ट करते हैं बाय किसके द्वारा, तो स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू हूम, जिसके लिए जो है वो ऑफर किया गया. सी, आगे, ए एक ट्रेडमैन है, लीव गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक. ए एक ट्रेडमैन था, मान लीजिए उसने गलती से जो है गुड्स जो है वो बी के हाउस में जो है वो क्या कर दी, भेज दी. बी ने उन गुड्स को जो है वो मान लिया कि वो मेरी खुद की गुड्स हैं, तो अब बताइए यहाँ पे ड्यूटी क्या बनती है, तो यहाँ पे बी जो है वो बाउंड हो जाएगा कि वो ए को क्या करेगा, पेमेंट करेगा. मतलब ए ने गलती से बी के घर पे सामान पहुंचा दिया और बी ने उसको यूज कर लिया, तो भाई अब बी की लायबिलिटी, क्योंकि वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और वहां पे बी लायबल होगा क्या करने के लिए, ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम. आंसर आएगा सी. आगे, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में कि मैं आपको कुछ अमाउंट का पेमेंट करूंगा अगर बी जो है वो शादी करते किससे, सी से, और सी जो है वो डाई हो गया, मतलब सी बेचारा पहले ही मर गया, ठीक है, ए की शादी होने से पहले, तो बताइए क्या होगा, तो उस केस के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी. आगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अराइज, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अराइज होगी एज रिजल्ट ऑफ द फॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पार्टी के फॉल्ट होने की वजह से कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो क्या होता है, अराइज होगा, तो वो होगा जो क्लेमेंट होता है ना उसके, अगर वही मान लीजिए अगर वो क्या हो गया, उसने फॉल्ट कर दिया, तो वहां पर आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस अराइज हो जाएगा सी. एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीशन, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा. आगे, ए प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू ए चैरिटी, एक ए ने प्रॉमिस किया कि वो सब्सक्राइब करेगा किसको, चैरिटी को, तो वहां पे जो प्रॉमिस होगा वो क्या होगा, वो प्रॉमिस जो है वो होगा कैसा आपका, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सी. आगे, एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि चैरिटी है ना तो वहां पे वो विदाउट कंसीशन हो गया. आगे, ए कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर बी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो कार्गो लेगा बी के बिहाफ पे एट ए फॉरेन पोर्ट पे. ए गवर्नमेंट आफ्टर डिक्लेयर वॉर, लेकिन जबकि ए की गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएट, जिस जगह पे बंदर का सिचुएटेड था वहां से जो है अब हम सामान नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो बताइए क्या होगा. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा जब वॉर जो है वो क्या हुआ, डिक्लेयर, क्योंकि वॉर की वजह से अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हो सकता, तो उस नेचर में उस केस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा. तो आंसर आएगा सी. अच्छा जी, चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, बोलता है ब्रीच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अलाउ, इनमें से कौन सी टर्म को अगर आप जो है वो ब्रीच करते हो, डज नॉट अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्रीड पार्टी टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बताइए. तो इसमें क्या है कि अगर आप वारंटी को ब्रीच करते हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट नहीं होगा, आप वारंटी के, अगर वारंटी ब्रीच हो गया तो आप ना कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हो बट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करोगे, तो आंसर आएगा सी. आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट अ बाइंडिंग ऑफर, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है बाइंडिंग ऑफर टू सेल ए यूनिक आइटम ऑफ द फर्नीचर, तो वो क्या है बाइंडिंग ऑफर कब होगा, जब आप टेलिंग समवन यू विल रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑन इट बाय 10%. इस केस के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा बाइंडिंग ऑफर हो जाएगा, अब आपको जो है उसको ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. आगे एक कॉन्ट्रैक्ट बाय इडियट इज, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर इडियट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो क्या है, वो शुरुआत से ही क्या है वॉइड ऑफ इन इश्यू है क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं था उसके लिए. आगे ए डिजायर बी हु ओज हिम रुपीज 100 टू सेंड हिम ए नोट फॉर रुपीज 100 बाय पोस्ट, ए ने जो है वो इच्छा जाहिर करी बी से जो उससे 100 रुपए मांग रहे कि वो उसको एक नोट भेजे 100 रुपए का कैसे बाय पोस्ट, तो बताइए क्या, तो यहां पर डिस्चार्ज डेट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा एज सून एज बी पुट इन टू द पोस्ट ए लेटर कंटेनिंग द नोट ड्यूली एड्रेस टू ए, जैसे वो उसको नोट भेज देगा तो वो जो डेट जो पैसा लेना है वो क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा बी. आगे ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म बी, ए ने जो है वो जालसाजी करके बी को इन्फॉर्म किया डेट ए की एस्टेट इज फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, कि ए की एस्टेट एकदम क्या है फ्री है, मतलब वो कहीं पर गिरी हुई नहीं रखी गई है. बी देयर अपॉन बाय द एस्टेट, और बी ने जो है उसकी बात पर विश्वास करके उन प्रॉपर्टी को क्या कर लिया खरीद लिया. द एस्टेट इज सब्जेक्ट टू ए मॉर्गेज, और जबकि वो एस्टेट जो थी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी गिरवी पड़ी थी, तो बताइए यहां पर अब जो है वो क्या होगा, तो यहां पर बी चाहे तो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, जी बिल्कुल कर सकता है, या फिर बी इंसिस्ट कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट करेगा एंड द मॉर्गेज डेट रिडीम, और वो बोलेगा कि मॉर्गेज डेट को क्या करो रिडीम, जी बी के पास है दोनों ही ऑप्शन, तो आंसर आएगा सी, बोल तो इधर ए और बी. आगे ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, ए ने जो है वो एडवांस मनी दिया किसको अपने बच्चे को बी को ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, अपॉन बी कमिंग टू द एज ऑब्टेन बाय मिसयूज ऑफ द पेरेंटल इन्फ्लुएंस ए बोन फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस, तो वो क्या है अगर मान लो वो बच्चे के ऊपर जो है वो आपने प्रेशर डाला तो उसको बोलेंगे ए ने एम्प्लॉय क्या किया अनड्यू इन्फ्लुएंस, और उसने बॉन्ड भरवा लिया ना ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड भरवा लिया, तो ए ने जो है वो अपने क्योंकि ए जो है वो फादर हो गया मान लो, ठीक है, तो ए ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके जो है वो क्या किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो ए एम्प्लॉय अनड्यू इन्फ्लुएंस, आंसर आएगा बी. आगे ए हायर ए हॉर्स इन कलकत्ता, ए ने जो है एक घोड़ा जो है वो हायर किया कहां पे कलकत्ता में फ्रॉम बी एक्सप्रेसली तो मार्च टू बनारस, ए राइड विद ड्यूक, ए जो है वो बहुत ही संभाल के घोड़े को लेके गया बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल एंड इज इंजर्ड, और जो घोड़ा जो है वो क्या हो गया गिर गया और वो इंजर्ड हो गया, तो बताइए इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, तो इस केस के अंदर ए जो है वो लाइबल होगा टू मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द इंजरी टू द हॉर्स, तो ए लाइबल है क्या करने के लिए उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा किसको बी को, आंसर आएगा सी. Which of the following is not a type of cyber crime? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, तो बेसिकली एंटीवायरस जो है वो कोई साइबर क्राइम नहीं है क्योंकि वो तो वायरस रोकने के लिए बेसिकली. डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एलएलपी इज करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है एलएलपी के रिगार्डिंग जो है वो क्या है जी करेक्ट है, तो पहली बात दे आर लिमिटेड टू मैक्सिमम 20 मेंबर, ऐसा होता है कि एलएलपी में नहीं सर, दे मस्ट हैव द मिनिमम 2 मेंबर, क्या एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, जी ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है. आगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, एन एजेंट विल नॉट बी लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस, एक एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं है, किस केस के अंदर जो है वो लायबल नहीं है, पहला वेयर द एजेंट फेल टू डिस्क्लोज दैट दे आर एक्टिंग एज सच, अगर एजेंट फेल हो गया डिस्क्लोज करने में कि वो एजेंट की भूमिका निभा रहा है तो यहां पर जो है वो क्या होगा एजेंट जो वो लायबल नहीं होगा, तो आंसर ए ही आ गया पहले ही. आगे कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इज ट्रू, तो बताने में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है ट्रू है, ठीक है जी, पहला रिटर्न में होना चाहिए, जी होना चाहिए, दे मस्ट बी एविडेंस इन राइटिंग, ओके दे नीड नॉट बी इन राइटिंग, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है क्योंकि मस्ट बी इन राइटिंग ऐसा जरूरी नहीं है, रिटर्न या फिर ओरल दोनों हो सकता है, मस्ट बी एविडेंस इन राइटिंग या फिर उसका एविडेंस होना चाहिए कि वो रिटर्न में, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट ये जो है दे नीड नॉट बी इन राइटिंग, उसका राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट एकदम क्या है करेक्ट है, तो 61 का आएगा सी. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल, इनमें से कौन सी बात जो है वो नहीं की जाती है बाय द साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, तो वो क्या है ईमेल स्पूफिंग एंड स्कैमिंग, ये साइबर क्रिमिनल के द्वारा नहीं किया जाता. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इशूइंग ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग इज ट्रू, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल ऑफ लेडिंग के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या है सही है, तो जब बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली जो है वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, और अगर बिल ऑफ लेडिंग अगर हमने आपको दे दिया तो जो रिस्क है वो अब बायर का हो जाएगा, वो सेलर का नहीं रहेगा, तो आंसर रहेगा डी, रिस्क पासिस टू द बायर.
क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग जो है वो क्या है बेसिकली, बिल ऑफ लेडिंग बीएल जो है, बीएल बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो ये बेसिकली टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इसको ओनरशिप डॉक्यूमेंट बोलते हैं। चलो जी आगे, अब बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द आईटी लॉ, ऐसा कौन सा आईटी लॉ है जो इंडिया के अंदर है जिसका इंडियन लेजिस्लेचर है, तो वो है जी आपका आईटी एक्ट सन 2000, तो 64 का आएगा सी, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आगे डैश एजेंसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एजेंसी, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एजेंसी जो है वो कौन सी है, एक्सप्रेस एजेंसी, जिसके अंदर पहले बता देंगे कि आप हमारे एजेंट और हम आपके प्रिंसिपल हैं। आगे ए डैश इज ए कॉन्टैक्ट ए प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंटर इनटू दैट से द प्रिंसिपल कैन नॉट एम्प्लॉय अनदर एजेंट अदर देन द वन सिटी, तो वो कौन सा होगा, वो होगा जी एक्सक्लूसिव एजेंसी कॉन्टैक्ट, कौन सा एक्सक्लूसिव एजेंसी, अगर हमने एक एरिया के अंदर अगर एक ही पर्सन को हम राइट देंगे, ठीक है, और पर्सन के पास में जो है उस चीज का राइट नहीं होगा, तो बोलते हैं एक्सक्लूसिव एजेंसी कॉन्टैक्ट एक ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसके अंदर प्रिंसिपल एंड एजेंट एंटर होंगे कॉन्टैक्ट में, और वो प्रिंसिपल ये बोलेगा कि वो किसी और पर्सन को उस एरिया के अंदर एम्प्लॉय नहीं करेगा। आगे अपेरेंट एजेंसी ऑल्सो रेफर टू एज, अपेरेंट एजेंसी जो है इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका एजेंसी बाय एस्टोपल, मतलब जो देखने में एजेंसी लग रही है, एक्चुअल में कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था लेकिन वहां पे आप ये बोल दोगे देखने में क्या है एजेंसी है, तो एजेंसी बाय एस्टोपल है। आगे अपडेटेड वर्जन आईटी एक्ट का, तो आईटी एक्ट सन 2000 में पास किया गया, उसके बाद इसको सन 2008 के अंदर जो है वो क्या किया गया था, क्या किया गया, अमेंड किया गया 2008। आगे ए डैश एजेंसी रिजल्ट इफ ए थर्ड पार्टी एंटरिंग इनटू अ कॉन्टेक्ट नोस दैट The agent is acting as an agent for the principal and the actual identity of the principal. अगर उनको जानता हो तो फिर क्या होगा, तो उसको बोलते हैं fully disclose. अगर आपको सब कुछ पता है कि agent कौन है principal कौन है, तो ऐसी agency contact कौन सा होता है, fully disclosed. आगे ए डैश एजेंसी अकर इफ द एजेंट डिस्क्लोज, अगर एजेंट डिस्क्लोज करता है हिज और हर एजेंसी स्टेटस बट डज नॉट रिवील द प्रिंसिपल आइडेंटिटी, मतलब वो अपना वो ये तो बोलता है कि मैं एजेंट हूं लेकिन अपने प्रिंसिपल की आइडेंटिटी को जो है वो क्या करता है, छुपा लेता है, एंड द थर्ड पार्टी डज नॉट नो द प्रिंसिपल आइडेंटिटी फ्रॉम द अनदर सोर्स, तो वो कैसा है, वो है आपका पार्शियली डिस्क्लोज एजेंसी बी। आगे ए प्रिंसिपल एक्सेप्ट एन एजेंट अनऑथराइज कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, एक प्रिंसिपल जो है वो एक्सेप्ट करता है एजेंट के अनऑथराइज कॉन्ट्रैक्ट को थ्रू, किस तरीके से उसको जो है वो एक्सेप्ट करता है, वो है रेटिफिकेशन करके, अगर वो उसको जो है वो क्या करते हैं रेटिफाई कर दे, बोलते उस पर सहमति जाहिर कर दे, तो उसका जो अनऑथराइज जो एक्ट था या कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा डी। आगे प्रिंसिपल ऑफन एम्प्लॉय पर्सन एंड बिजनेस दैट आर नॉट देयर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क On their behalf, these person and business are called. तो ऐसे persons को जो है वो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप लोग क्या, independent contractor, बोले तो D। आगे which of the following is not a method of terminating an agency, इनमें से कौन सा method नहीं है agency को terminate, agency relationship को terminate करने का by the act of party, तो कौन सा नहीं है, वो है आपका अगर principal bankrupt हो जाए तो आपकी agency terminate नहीं होगी B। आगे what type of cyber crime its laws and punishment does section 66 of the Indian IT Act hold, तो Indian IT Act के अंदर जो है section 66 में क्या दिया गया, उसमें दिया गया cracking और illegally hack into the system A, ये section 66 में दिया गया cyber crime। आगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कब हुआ, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 15 मार्च 1930 का एनेक्ट किया गया था। आगे सेल ऑफ गुड्स 1930 जो है वो बेस है किसके ऊपर, अपने इंडिया की मेजोरिटी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इंग्लिश लोग के ऊपर बेस हैं, तो वो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर जो है वो क्या है बेस्ड है। आगे वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड, अगर आप जो है अपनी इच्छा से जो है वो क्या करते हो पोजेशन ट्रांसफर करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो वो क्या है, वो है उसको बोलते हैं डिलीवरी। आगे एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनसॉल्वेंट मींस ए पर्सन, इनसॉल्वेंट का मतलब जो है वो क्या है, तो इनसॉल्वेंट का मतलब है जो पर्सन सीज, अब मना हो जाए कि वो अपने डेट का भुगतान नहीं कर सकता ओनली कोर्स ऑफ बिजनेस में, या कैन नॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू, या फिर वो जब उसके डेट ड्यू होगे उस टाइम अगर वो जो है वो क्या करे डेट का भुगतान ना करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इनसॉल्वेंट पर्सन, तो 78 का आएगा सी बोथ ए एंड बी। आगे The goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made or called. जो goods identify कर लिए गए and agree उनके ऊपर agreement भी हो गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उन goods को बोलते हैं basically specified goods, जिनको पहले से हमने identify कर लिया है कि इन goods का हम जो है वो क्या करें contract कर रहे हैं। आगे acceptance में भी revoke by the acceptor, जो acceptance है उसको revoke करते हैं acceptor के द्वारा, कब एक्सेप्टर उसको एक्सेप्टेंस को रिवोक तभी कर सकते हैं बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर, अगर लेटर पहुंच गया तो अब आप जो है वो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते हो बी। आगे ओन एटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी माइनर एग्रीमेंट, अगर माइनर जो है वो मेजर हो जाए, ठीक है, तो
तो उस केस में जो है तब भी वो अपने जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट उनको रेटिफाई नहीं कर सकता। ऑन अटेनिंग द मेजर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी ए माइनर एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम। डी, इफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सबमिटेड इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग, अगर नए पुराने की जगह अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हुआ लाया गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोवेशन करना। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर कैन, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस के अंदर बायर जो है वो क्या होगा, द बायर कैन क्लेम द डैमेज, ओनली डैमेज की वो डिमांड कर सकता है वारंटी अगर ब्रीच हो गया तो। आगे, एन एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड टू रियलाइज द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है कि वो रियलाइज करेगा कई सारे ऑब्जेक्टिव को। व्हाट इज एन एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट एंड द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, तो एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है जो कंपनी को क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है, उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कंपनी को चलाते रहेगा, बेसिकली वो रेस्क्यू करेगा कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न। सी आगे, एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड इन वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट वे, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कई तरीके से अपॉइंटमेंट उसकी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड, इनमें से कौन सा वैलिड मेथड नहीं है उसकी अपॉइंटमेंट का, ये आपको बताना है। तो अपॉइंटमेंट का कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कोर्ट भी, एडमिनिस्ट्रेटर पहली बात तो कौन है जो कंपनी को रन करने का काम करेगा, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कोर्ट भी कर सकता है, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर भी कर सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कंपनी भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का ऑडिटर जो है वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट नहीं करेगा। तो आंसर आएगा सी। Which of the following does not have the right, इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन जिसके पास में राइट नहीं है पेटिशन फाइल करने का कोर्ट को फॉर द कंपल्सरी वाइंड अप, मेंबर को राइट है, क्रिएटर को राइट है, डायरेक्टर को राइट है, बट ऑडिटर को जो है वो कोई भी राइट नहीं है कि वो कोर्ट में जाके पेटिशन को फाइल कर सके। तो आंसर आएगा डी। Which two type of business structure are created by a process of incorporation, incorporation की वजह से मतलब registration से जो है वो कौन कौन से basically business structure जो है वो build up होते हैं, तो company और sole proprietorship, sir company तो incorporation होती है, company का incorporation तो होता है लेकिन sole proprietor तो नहीं होता, partnership LLP नहीं, partnership नहीं होती, LLP तो होती है, company LLP yes, company और LLP दोनों का जो है वो क्या होता है, law के under incorporation होता है। आगे, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आगे, इन ए सेल इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, सेल के अंदर अगर गुड्स जो है वो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड हो गई हैं, द लॉस फॉल्स ऑन, अगर सेल के दौरान गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड हो गई हैं तो लॉस जो है वो होगा किसका, बायर का, किसका, बायर का, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होता, उसमें एग्रीमेंट ऑफ सेल में होता तो फिर सेलर का होता, ठीक है, तो यहां पर किसका हो जाएगा, बायर का। आगे, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब बताओ क्या होता है, सर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि कंपनी एक एंटिटी है, ठीक है, जिसको कानून की नजरों में एक पर्सन बोल दिया गया है, तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मींस दैट द कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड बाय द लॉ एज ए पर्सन। तो आंसर आएगा सी। आगे, एग्रीमेंट मेड विद एन अलाइन एनिमी, जो आपकी बेसिकली दुश्मन जो हमारी कंट्री है उसके साथ अगर आप कोई भी जो है वो क्या करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो वो कैसा होगा जी, आपका अनलॉफुल होगा। सी, कंसेंट गिवन अंडर कोर्सन मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने जो है वो कंसेंट लिया कोर्सन करके जो है, किसी पर्सन को कोरीज करके जो है वो अगर आपने कंसेंट लिया, ठीक है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू अगर आपने कोई कंसेंट लिया, तो वो जो कंसेंट है वो होती है वॉइडेबल, वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ दूसरी पार्टी, ठीक है ना, मतलब वो चाहे जिस पार्टी को आपने धमका के और मान लो उससे कंसेंट ले ली, तो अब वो जो कंसेंट है वो वॉइडेबल नेचर की है, अगर जिस पार्टी को आपने धमकाया वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करार कर सकता है, नहीं तो वैलिड हो जाएगा। आगे, व्हाट इज नोन एज चार्टर द कंपनी, कंपनी का जो चार्टर है वो किसको बोलते हैं, कंपनी के चार्टर होता है मेमोरेंडम MOA, उसको चार्टर बोलते हैं कंपनी का। आगे, द डैश डिफाइन ए कंपनी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कौन सी ऐसी चीज है जो कंपनी का रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो है वो क्या करती है, डिफाइन करती है, तो वो है जी मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बताएगा। इंटरनल जो कंपनी इंटरनली कैसे काम करेगी वो आर्टिकल बताते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ कैसे एग्रीमेंट किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो मेमोरेंडम MOA बताएगा। मार्क ऑफ द टाइप ऑफ अल्टरेशन डेट इज परमिटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स के अंदर आप क्या क्या चीज चेंज कर सकते हो, आर्टिकल में वो सब चेंज कर सकते हैं जो मेमोरेंडम के अनुरूप हो, मतलब मेमोरेंडम के बियॉन्ड आप नहीं जाओगे, तो डेट इज कंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डी, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मस्ट फाइल ए स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो क्या करती है, फाइल करती है, तो वो है पब्लिक कंपनी डेट हैज नॉट इशूड ए प्रोस्पेक्टस, ये मतलब वो कंपनी जिसने अभी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया वो कंपनी जो है वो स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। आगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है कंपनी का इज इट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है कंपनी का वो क्या है, वो है उसका मेमोरेंडम। सी, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर गेट द प्राइस, इफ एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर जो है वो प्राइस गेट करता है,
अगर क्या है वहां पे एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, सी आगे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर कंटेंट इन इट्स, जो इंटरनल मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो कैसे काम करेगी वो सब लिखा जाएगा कहां पे, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आगे ए डैश में बिकम ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कौन कंपनी का जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, तो वो है इंडिविजुअल ये। आगे हाउ मेनी डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के अंदर जो है वो कितने को बेसिकली जो है डायरेक्टर का जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है, मतलब हाउ मेनी डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी, तो वो है आपका 2/3 ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, कम से कम 2/3 का अपॉइंटमेंट होगा कहां पे, जनरल मीटिंग के अंदर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनमें से कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के जो है वो क्या है, बियॉन्ड है, वो क्या है, टू रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय द डायरेक्टर, सी ये इसके बियॉन्ड है, मतलब कोई ऐसे अमाउंट का पेमेंट करना जो डायरेक्टर की थी और उसको अगर आपने पेमेंट कर दिया जो डायरेक्टर के लिए ड्यू थी, तो वो है आपका क्वेश्चन, समझो एक बार क्या है बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकते हैं, बट रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई पेमेंट करनी थी और वो अगर आप पे कर दो तो वो आपकी पावर के बियॉन्ड है, क्योंकि आप ओनली कंपनी का खर्चा करोगे, डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंस उठाने का कोई राइट नहीं है। होल्डिंग कंपनी का मतलब बताइए क्या है, होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी, होल्डिंग कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को क्या करती है, होल्ड करती है। ए द पार्टनरशिप एंटिटी में भी रिगार्डेड, जो पार्टनरशिप एंटिटी है उसको वो क्या है, पार्टनरशिप एंटिटी ऐसी है जो ना तो क्या है लीगल है और ना ही अकाउंटेबल एंटिटी है। डी ए प्रोमोटर इज ए पर्सन हु, प्रोमोटर एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी के इन कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो क्या करता है, अपना योगदान देता है। ए प्रोमोटर इज ए पर्सन हु टेक पार्ट इन द कंपनी इन कॉर्पोरेशन। डी द अमाउंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन में बी लर्न फ्रॉम द अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कहां से आपको मिलेगा, वो बेसिकली प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है वो दिया जाता है। ए द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन जो है जो रूल है आपका किसका, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, इंप्लाइड एट उसका मतलब जो है वो क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि हर पर्सन जो कंपनी के साथ में डील करता है उसको कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी नोटिस उनकी जानकारी होनी चाहिए, तो एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब उसको कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए। आगे राइट ऑफ लीन एक्सेस बाय एन अनपेड सेलर इज टू, राइट ऑफ लीन जो है वो एक्सेस करता है अनपेड सेलर, कब वो करता है, क्या करने के लिए, मतलब राइट ऑफ लीन को एक्सेस करके हमको क्या मिलेगा, हम अपनी पोजिशन को रिटेन करना चाहते हैं। ए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी, इनमें से कौन सा कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है, एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ। आगे लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर की इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज, कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, तो कंपनी के शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय हिम, सी। आगे Which of the following company need not have their own article of association? किस कंपनी का आर्टिकल होना जरूरी नहीं है, तो वो है जी पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर उसका खुद का आर्टिकल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कंपनी एक्ट के अंदर कुछ टेबल दे रखी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। आगे कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्टी, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट ऑफ द पार्टी से इन्फर्ड होता है, ठीक है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं किया गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं आप लोग क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सी। जो दिखता है किससे, आपके एक्ट से दिखता है, तो वो इंप्लाइड होता है। आगे कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट डैश कॉन्टेक्ट, मतलब यहां पे डैश कॉन्टेक्ट इज वन विच इज मेड बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन, उसको क्या बोलते हैं, एक कॉन्टेक्ट जो स्पोकन या रिटन बेसिकली स्पोकन वर्ड्स या मतलब वर्ड्स के अंदर दिया गया बेसिकली, ठीक है, रिटन के अंदर है या ओरली है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली आप लोग क्या, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम पहले से बता दिया कंडीशंस को। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, सर क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, जितना आपने कमाया उतना आपको मिलेगा। आगे मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर ओपन टू द इंस्पेक्शन, एमओए और एओए जो है वो ओपन है इंस्पेक्शन के लिए, बाय द किसके द्वारा, वो बाय द एवरीबॉडी, कोई भी पर्सन जो है एक फीस का पेमेंट करके जो है आर्टिकल मेमोरेंडम को जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है। आगे ए गारंटी विच इज गिवन फॉर द गुड कंडक्ट ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड, एक ऐसी गारंटी जो एक पर्सन के गुड कंडक्ट के लिए दी जाती है, मतलब ये पर्सन अच्छे से काम करेगा, कोई चोरी चकारी नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं फिडेलिटी गारंटी, सी। ए पर्सन हु एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज अ गारंटर इज कॉल्ड, एक पर्सन जो एक्ट करता है एज एन एजेंट भी और एज एन
गारंटर भी, उसको क्या बोलते हैं? तो उस पर्सन को जो है वो बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टर। तो फैक्टर बेसिकली एक पर्सन होता है जो आपको गारंटी देता है कि आप सेल कर दो, आपके डेटर्स की रिकवरी मैं करके दूंगा, ठीक है। तो एक तो वो मतलब आपकी भी आप रिकवरी करेगा तो आपका एजेंट भी हो गया, और दूसरा वो गारंटी देता है कि अगर पैसा नहीं भी मिलेगा, ठीक है ना, तो विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स तो भी आपको तो पैसा मिलेगा। तो वो गारंटर भी हो गया और साथ में आपका एजेंट की भूमिका भी हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टर। ए स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू, एक स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू की जाती है बाय द, किसके द्वारा, बाय द पब्लिक कंपनी व्हेन शेयर्स आर इशूड अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटेड। तो उस केस के अंदर जो है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू ना करके हम लोग जो है वो स्टेटमेंट इशू कर देंगे इन लियो प्रोस्पेक्टस। आगे, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, एक ऐसा एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन जो किया गया वो कैसा होगा, वॉइड होगा। आगे, कंपनी के जो शेयर कैपिटल, का मतलब क्या, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मींस इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल में दोनों आते हैं, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी। आगे, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कैसा होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे, डैश कंपनी मस्ट हैव देयर ओन आर्टिकल, ऐसी कंपनी के जो है वो खुद के आर्टिकल होने चाहिए, कौन सी कंपनी है, वो है आपकी अनलिमिटेड कंपनी बी। आगे, ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग कंपनी मीटिंग आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना उसकी ड्यूटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, किस किस केस में रिस्ट्रिक्टेड है, तो कंपनी की मीटिंग से पहले भी उसकी ड्यूटी बनती है, ड्यूरिंग कंपनी मीटिंग भी ड्यूटी होती है, एंड आफ्टर कंपनी मीटिंग भी उसकी ड्यूटी होती है। तो आंसर आएगा डी, तीनों सिचुएशन के अंदर वो जो है वो अपनी उसकी ड्यूटी रहती है, वो उसके लेवल रहता है। ए प्राइवेट कंपनी इशू डेफर्ड शेयर विद डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट, तो ये क्या है, तो क्या प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है, तो प्राइवेट कंपनी कैन ओनली इशू डेफर्ड शेयर विद डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट, ए प्राइवेट कंपनी कर सकती है। एसर्टेन गुड्स का मतलब जो है वो क्या होता है, सर एसर्टेन गुड्स का मतलब होता है स्पेसिफिक गुड्स, जिनको हमने पहले से स्पेसिफाई कर लिया, ए। कंप्लेंट 1956 वाज रिपील्ड बाय, कंप्लेंट 1956 को जो है वो रद्द कर दिया किसके द्वारा, बाय द कंप्लेंट 2013। आगे, कंप्लेंट 2013 जो है वो फोर्स के अंदर बेसिकली कब आया, तो आया 20 अगस्त 2013 को। आगे, विच न्यू टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस इन द कंपनी 2013, कंपनी 2013 के अंदर कौन सी नई तरह की कंपनी इंट्रोड्यूस की गई, ओपीसी किया गया, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन नहीं डाला गया, और स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन डाला गया, आंसर आएगा डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी के फीचर जो है वो बताओ कौन कौन से है, तो रजिस्टर्ड कंपनी जो होगी उसका फीचर पहला ये है, उसके शेयर ट्रांसफरेबल नेचर के, यस, परपेचुअल सक्सेशन होगा, यस, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, यस, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बताइए कैसा है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी है, या कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या कंपल्सरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी का वो कैसा है, जो वो आपका कंपल्सरी है, बी। आगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो कितने होते हैं, दो। आगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो है जी कितने, आपके सात। आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द पब्लिक कंपनी जो है वो कितने होते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आगे, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक कंपनी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेशन इसका हुआ उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी, लीगल कंपनी बन जाती है वो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रजिस्ट्रार को हम फाइल नहीं करते इनकॉर्पोरेशन टाइम पे, एमओए करते हैं, एओए करते हैं, स्टैच्यूट डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कि हमने सारे रूल्स में फॉलो करें ये भी करते हैं, बस प्रोस्पेक्टस ये फाइल नहीं करते क्योंकि ये तो आईपीओ के दौरान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जाम्पल है किसका, सर ईस्ट इंडिया कंपनी जो एग्जाम्पल है किसका, चार्टर्ड कंपनी का। आगे, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल जो है कंपनी की वो कितनी है, आप कोई भी उसकी लिमिट नहीं है, खास बात ये, पहले मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल की और मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल की लिमिट होती थी 1,00,000 और 5,00,000, लेकिन अब वो केस को हटा दिया गया, अब कंपनी एक्ट के अंदर जो है मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल और मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल की लिमिट नहीं है, अब वो है एस बी प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, ये बात ध्यान रखना, अब नो लिमिट है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो बिलोंग्स करती है किसके लिए, वो कंपनी की होती है, वो ऐसा नहीं है शेयर होल्डर की, वो तो वाइंड अप के टाइम पे है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन जो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, तो जो इनसॉल्वेंट पर्सन है वो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, डी। आगे, कंपनी नेशनलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, कंपनी की जो नेशनलिटी है वो डिसाइडेड होती है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, बी। अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल हैव हाउ मेनी वुमेन डायरेक्टर, हर कंपनी में कम से कम एक जो है वो वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। आगे, ए पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर साइमल्टेनियसली इन मोर देन, कितनी कंपनी के अंदर एक पर्सन जो है वो 20 कंपनी से ज्यादा तो जो है वो डायरेक्टर नहीं होगा, तो आंसर आएगा सी।
आ गए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नेसेसरी फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोरम। ए, व्हाट इज द पीरियड फॉर विच बुक्स ऑफ द अकाउंट्स मस्ट बी रिटेन्ड बाय द कंपनी, कितने सालों तक जो है आपको कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, तो 8 साल। आगे, द कंपनी लिक्विडेटर हैज टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वाइंड अप, कंपनी के लिक्विडेटर को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वाइंड अप की, तो किस अंतराल में करनी होती है, तो क्वार्टरली उसको रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होती है। सी, ऑफिशियल लिक्विडेटर आर अपॉइंटेड फ्रॉम ए पैनल ऑफ प्रोफेशनल फर्म ऑफ, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है उसके पैनल के अंदर कौन कौन फर्म्स होती है, उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, एडवोकेट भी होते हैं, सीएस भी होता है, सीएम भी, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उस पैनल के अंदर। आगे, एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट, जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो होते हैं वो कम से कम जो है वो कितने पार्टीज में होता है, 2 पार्टीज के अंदर, मतलब मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो। आगे, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन, हर एक प्रॉमिस जो किया गया जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ कंसीडरेशन है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। बी, ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वाइड सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिफाइन किया गया, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो है जी सेक्शन नंबर 2H में। सी, इन एग्रीमेंट ऑफ द प्योरली डोमेस्टिक नेचर, अगर एग्रीमेंट है प्योरली डोमेस्टिक नेचर का, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप इज, तो वो कैसा होता है, टू बी प्रूव टू बी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। ए, लो जी ये 150 हो गए, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 151, ये बोलता है ए मेक्स ए कॉन्टैक्ट विद बी टू बीट बिजनेस कॉम्पिटिटर, ए ने जो है वो कनेक्ट किया बी के साथ में कि वो उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर को जो है वो क्या करे, बीट कर दे, दिस इज एन एग्जांपल है, तो ये किस तरीके का कॉन्टैक्ट है, ये है आपका इलीगल एग्रीमेंट। बी, आगे, विच द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी लीगल स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी इनकरेक्ट है, बोलता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, फिर बोलता है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या? जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सही है क्या, नहीं सर ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है। आगे, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, यस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये भी सही है, तो इसका 152 का जो है वो आएगा क्या, बी। आगे, ए डैश इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ओनली एक पार्टी को जो है अपने प्रॉमिस को पूरा करना है, वो है आपका यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट। सी, आगे, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, हर एक एग्रीमेंट और जो प्रॉमिस जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट है प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आगे, एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, अगर दोनों तरफ से अगर कंसीडरेशन होता है तो वो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एग्रीमेंट। आगे, फॉर एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, अगर एक्सेप्टेंस को आपने वैलिड करार देना है, इट मस्ट बी, तो एक्सेप्टेंस कैसी हो, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट भी होनी चाहिए प्लस में अनक्वालिफाइड हो, मतलब एक्सेप्टेंस जो है उसमें कोई भी नेगलिजेंस नहीं होना चाहिए या फिर वो गलत नहीं होनी चाहिए। बी, आगे, ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन ए रेस्टोरेंट एक्स ने इन्वाइट किया वाई को टू डिनर एट हिज हाउस ऑन ए संडे, एक्स ने जो है वो डिनर पे इनवाइट किया वाई को, ठीक है, वाई ने अब टैक्सी हायर करी और वो एक्स के घर पे पहुंचा, ठीक है, जो टाइम एक्स ने दिया था उस टाइम पे पहुंच गया। आगे, लेकिन एक्स फेल हो गया और एक्स ने वाई को जो डिनर नहीं करवाया, क्या वाई रिकवर कर सकता है कोई डैमेज एक्स से, अब ये बताओ, तो इस केस में जो है क्योंकि वाई कोई एक लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ, मान लो आप अपने दोस्त को ये बोलो कि तू मेरे घर आ जा तेरे को चाय पिलाऊंगा, बट वो आपका दोस्त आपके घर पे और वो आप उसको चाय ना पिलाओ, तो क्या वो आप पे केस कर सकते हैं, नो, बिकॉज एज अ इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशन। बी, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको यहाँ पे जो है वो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो बतानी है कि वो क्या है, सबसे पहले ऑफर होगा, ऑफर फिर एक्सेप्ट होगा, कंसीशन होगा, फिर क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। बी, इन कमर्शियल एंड द बिजनेस एग्रीमेंट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप इज, कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टीज की जो इंटेंशन होती है वो कैसी होती है, प्रिज्यूम टू बी एग्जिस्ट, वो हम मानते हैं वहां पे कि जो इंटेंशन ऑफ पार्टीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आगे, ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी, एक ऐसा ऑफर जो इम्प्लाइड है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस इज कॉल्ड, तो ऐसे ऑफर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑफर को बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड ऑफर। आगे, एन ऑफर इज रिवोक, एक ऑफर जो है उसको रिवोक कर देंगे, कब, एक ऑफर जो है रिवोक हो जाएगा बाय द डेथ और द इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, अगर जो प्रपोजर था, ठीक है, तो उसके अगर डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया या टाइम खत्म हो गया या कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन आ गया, तो तीनों केस के अंदर जो आपका ऑफर जो है वो क्या माना जाएगा, रिवोक। डी,
एंड एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी, टेलीफोन के ऊपर जो एक्सेप्टेंस है वो शुड बी, वो कैसे होना चाहिए, टेलीफोन पे जो एक्सेप्टेंस दिया वो हर्ड बाय द ऑफरर, वो सुने, ऑडिबल होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, तो आंसर आएगा डी। आगे कंसीडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसीडरेशन होता है वो क्या, वो मे बी पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, ए। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वैलिड व्हेन मेड, एक एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन अगर किया गया वो वैलिड माना जाएगा अगर वो कैसे है, मतलब वैसे तो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वर्ड होते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है विदाउट कंसीडरेशन वो वैलिड माना जाएगा इन केसेस में, कौन सा, पहला आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ड्यू टू नियर रिलेशनशिप, अगर इसके लिए आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो कंसीडरेशन के बिना है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। टू पे टाइम बैरेट डेट, बिल्कुल। टू कंपनसेट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी, यस, तो आंसर रहेगा डी। तीनों केस के अंदर जो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है तो वो भी क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। आगे इफ ओनली पार्ट ऑफ द कंसेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अगर सिर्फ एक पार्ट ऑफ कंसेशन जो है वो क्या अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा, अगर एक पार्ट भी आपका जो है वो क्या हो गया अनलॉफुल हो गया ना तो भी आपका पूरा होल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आगे अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए थर्ड पर्सन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थर्ड पर्सन जो है वो कौन होगा, थर्ड पर्सन होता है बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो सू कर सकता है, केस कर सकता है। ए विच द फॉलोइंग इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो माइनर ये भी इनकॉम्पिटेंट है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इनकॉम्पिटेंट है, ए पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मान लो ये भी इनकॉम्पिटेंट, तो आंसर आएगा डी। विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का इनमें से कौन सा नॉन गवर्नमेंट कंपनी का जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो है क्या कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ये कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटलेस है, ऐसा नहीं है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, वहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो हमेशा क्या होती है, लिमिट होती है, तो आंसर आएगा थर्ड। कंसेंसस एट आइडम मींस, इसका मतलब क्या होता है, कंसेंसस एट आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जिस तरीके से बात रखी गई है उसी तरीके से बात को समझना। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी इज, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया विदाउट द फ्री कंसेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ध्यान रखना। इफ एनी एग्रीमेंट सफर फ्रॉम द अनसर्टेनिटी, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर क्या है अनसर्टेनिटी का गुण है तो वो कैसा होगा, वो बेसिकली जो है आपका हो जाएगा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स है वो क्या होते हैं शुरुआत से ही वर्ड अब इनिशियो होते हैं। आगे ए प्रोमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और एसरटेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड, ए ने प्रोमिस किया कि वो मनी या मनी वर्थ देगा डिटर्मिनेशन और एसरटेन ऑफ द अनसर्टेन इवेंट, अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन होगा तो मैं आपको कुछ पैसा जो है वो दे दूंगा, तो वो कैसा है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट है शर्त वाला। आगे द फ्रेज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स, क्वांटम मेरिट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न, जितना आपने कमाया उतना आपको मिलेगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल इंग्रीडियंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का असेंशियल इंग्रीडियंट जो है वो क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है क्षतिपूर्ति वाला, तो इसके अंदर एक तो ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड फॉर द लॉस, इसके अंदर जो है जो नुकसान है उसको सही करेंगे, लॉस मस्ट बी कॉज बाय द इंडेमनिटी होल्डर को हुआ हो एंड लॉस कैन मे बी कॉज बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, तो आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड, एजेंसी जो है वो कैसे क्रिएट होती है, तो एजेंसी क्रिएट होती है बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू भी, इंप्लीकेशन के थ्रू भी और नेसेसिटी, आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, वो कैसा होता है, वो होता है आपका वॉइडेबल एग्रीमेंट। आगे इफ ए मेक एन ऑफर टू बी, अगर ए ने जो ऑफर किया बी को ऑन ए पर्टिकुलर डे देन द ऑफर कैन बी रिवोक बाय ए बिफोर, तो अगर ए ने ऑफर दिया था बी को, ठीक है, तो ए ऑफर तो दे दिया, अब ए अगर चाहे उस ऑफर को रिवोक कर सकता है, तोड़ सकता है, कब वो तोड़ सकता है, अगर बी ने अभी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो उसको पोस्ट ना किया, अगर बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो फिर ए का वो जो प्रॉमिस है वो उसको पूरा करना पड़ेगा, वो उसको रिवोक नहीं कर सकता। सी टू टाइप ऑफ ब्रीच, कैसी कैसी होती है, दो तरह की जो ब्रीच होती है वो होती है आपकी, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है कौन सा एंटीसिपेटरी। सी वेट इट द कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स, कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो आपका फोर्स के अंदर कब आया, तो ये वैसे 31 मार्च 2003 को लेके, लेकिन ये 2009 से जो है वो लागू किया गया था, ध्यान रखना 2009 था, ठीक है ना। सेक्शन 29 होता कंपटीशन एक्ट 2002 डील विद, सेक्शन 29 होता कंपटीशन एक्ट 2002 का वो डील करता है किससे, तो सेक्शन 29 के अंदर लिखा गया प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन बी, इंक्वायरी इनटू द सर्टेन एग्रीमेंट एंड द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, ये किसमें डोमिनेंट पोजीशन वाली जो बात है वो किस सेक्शन में लिखी गई है, सेक्शन 19 के अंदर। सेक्शन 36 जो है कंपटीशन एक्ट का ये क्या बोलता है, सेक्शन 36 जो है बोलता है कि कमीशन की पावर मतलब सीसीए की पावर और उसको रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, इसके बारे में बात करते हैं।
विच सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 डील विद पेनल्टी फॉर फेलियर टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है, तो वो है जी सेक्शन 43। सेक्शन 12 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 डील विद, सेक्शन 12 जो है कॉम्पिटिशन एक्ट का वो डील करता है किसमें, तो सेक्शन 12 जो है वो डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर इन सर्टेन केसेस। कौन सा सेक्शन है कॉम्पिटिशन एक्ट का जो डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द कमीशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सीसीआई के सीसीआई को सुपरसीड कर जाएगी, तो वो है जी सेक्शन 56 के अंदर, अगर सीसीआई बियॉन्ड द पावर जाके काम करता है तो। सेक्शन 31 जो है कॉम्पिटिशन एक्ट का वो डील करता है किसके साथ, तो सेक्शन 31 जो है वो डील करता है आपका ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन। एलबी एक्ट जो है वो फोर्स के अंदर कब आया था बेसिकली, तो वह 31 मार्च 2009 से। कौन सा सेक्शन जो है एलएलपी का डील करता है चेंज इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 9। कौन सा सेक्शन एलएलपी एक्ट का जो डील करता है चेंज ऑफ नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कौन सा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 25 जो एलएलपी एक्ट 2008 का वो डील करता है किसमें, तो डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड द लिमिटेड लायबिलिटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, तो ये किसके अंदर दिया गया, तो ये दिया गया सेक्शन 21 के अंदर। सेक्शन 16 जो है एलएलपी एक्ट का वो उसमें क्या बात लिखी है, तो सेक्शन 16 जो बोलता है रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करता है। कौन सा सेक्शन एलएलपी एक्ट का 2008 का जो विद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात करता है, तो वो है जी आपका सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन नंबर 6 में दिया गया। सेक्शन 12 जो है एलएलपी एक्ट का वो डील करता है किसके साथ, सेक्शन 12 जो डील करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है ये क्या है, ए कंपनी कैन बी कंपेयर टू अ रिवर, कंपनी को कंपेयर करते हैं किससे, रिवर से, ओके, विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी ऑल्दो इट इज अ पार्ट फ्रॉम विच इट इज मेड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चाहे उसके पार्ट चेंज होते रहते लेकिन फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखती है। तो ये क्या है, तो कंपनी जो है वो क्या है उसमें कंटिन्यूस सक्सेशन होता है, मेंबर के आने का जाने का उसके ऊपर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, वो अपने वो लगातार चलती रहती है। थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर बात करें तो वो एक लीगल बॉडी है जो अपने पार्टनर से सेपरेट है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, 197 का डी। ए एलएलपी शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ, एलएलपी को गवर्न करेंगे बाय द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। हाउ मेनी डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी, एलएलपी के अंदर कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर उसके अंदर होने चाहिए। एलएलपी शैल फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इनसॉल्वेंसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, किस फॉर्मेट के अंदर जो है एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इनसॉल्वेंसी फाइल करनी होती है, तो वो है फॉर्म नंबर 8 में। ओके आगे, हु इज द अथॉरिटी टू ग्रांट कंपाउंडिंग ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफेंस की जो मतलब आपने जो ऑफेंस कर दिए तो उसकी कंपाउंडिंग जो है कंपाउंडिंग करने का राइट जो है वो किस अथॉरिटी के पास है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, वो अगर चाहे तो ऑफेंसिस की जो है वो कंपाउंडिंग कर सकती है। What is the time limit within which LLP shall file the annual return with the registrar? कितने दिनों के अंदर उसको फाइल करनी पड़ती है, तो 60 दिनों तक क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर। Every LLP shall keep books of accounts which shall contain, हर LLP जो है books of accounts को जो है मेंटेन करेगी, जिसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इन्वेंट्री, ये सब होना चाहिए, प्लस में रिकॉर्ड द एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट बनाएंगे एंड पर्टिकुलर ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द एलएलपी एंड द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। एट विच प्लेस, कहां पे एलएलपी अपने बुक्स को जो है वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे करते हैं। हु शैल साइन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड द सॉल्वेंसी प्रिपेयर्ड बाय द एलएलपी, कौन साइन करेगा स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और इसको, तो वो करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इनसॉल्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल बाय द एलपी विद, कहां पे भेजेंगे वो करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ एलपी आएगा, ठीक है ना। आगे, वेदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नेम ऑफ पार्टनर एंड एंड चेंजेस इफ एनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल विद द रजिस्ट्रार कैन बी इंस्पेक्टेड, क्या उसका इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, तो इंस्पेक्शन येस इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, डी। The books of accounts which LLP is required to keep shall be preserved for how many years? कितने सालों के लिए books of accounts को maintain करते हैं, वो करते हैं जी 8 years के लिए। Who shall fix the remuneration of the auditor? कौन person जो remuneration को fix करता है, auditor के remuneration को fix करता है, कौन? Designated partner जो है ये auditor का remuneration fix करेंगे, या जो procedure LLP agreement में बोला गया उस तरीके से उसका जो remuneration है वो fix किया जाएगा, तो आंसर रहेगा डी। आगे, वेयर एन ऑडिटर इज अनविलिंग टू बी रीअपॉइंट, अगर एक ऑडिटर मना कर दे कि मैं रीअपॉइंट होना नहीं चाहता, ही शैल गिव ए नोटिस, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा एलपी रजिस्टर्ड ऑफिस में बिफोर द एंड ऑफ द टाइम अलाउ फॉर अपॉइंटिंग द न्यू ऑडिटर एलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड विद हिज सीजिंग द ऑफिस, तो कम से कम कितने दिन पहले उसको जो नोटिस देना पड़ेगा, तो नोट लेस देन कम से कम 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा।
हु कैन रिमूव द ऑडिटर फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑडिटर को जो है अपने ऑफिस से जो है वो कौन रिमूव कर सकता है, तो एलएलपी के पार्टनर अगर वो चाहें तो ऑडिटर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, यस ये भी कर सकते हैं। वेयर द एलएलपी एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, तो सभी पार्टनर की कंसेंट से ऑडिटर को जो है रिमूव किया जा सकता है, तो आंसर आएगा क्या डी, बोथ ए एंड बी, दोनों जो लोग हैं वो ऑडिटर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। The designated partner may appoint auditor, but if the designated partner failed to appoint the auditor, then who will make the appointment? तो कौन करेगा? वैसे तो auditor का appointment designated partner कर रहे हैं, लेकिन अगर वो fail हो गए तो फिर कौन करेगा? वो करेगा जी other partner जो LLP के हैं, वो auditor को appoint कर देंगे। An auditor or the auditor of the LLP shall hold office in accordance with the term of his or appointment and shall continue to hold office till the period. कब तक वो office को hold करेगा? जब तक वो या तो reappoint ना हो जाए या फिर उसकी जगह पे कोई नया auditor जो है वो appoint ना हो जाए, तो answer आएगा option A and C are correct. ऑडिट जो है अकाउंट ऑफ द एवरी एलपी इज नॉट कंपलसरी इफ इट्स, ऑडिट जो है वो जरूरी नहीं है अगर उसके टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा ना हो या उसका जो कंट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट है वो 25 लाख को एक्सीड ना करे, तो फिर इन दोनों केसेस के अंदर आपको जो है वो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ए, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बाय द एलएलपी, आपको पीरियोडिसिटी बतानी है भाई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बाय द एलएलपी जो है उसको कब फाइल जो है वो करनी है, तो उसको 6 महीने के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। डी, What are the penal provision for designated partner if any LLP fail to comply with the provision section 34 related to the maintenance of books of account? अगर कोई LLP books of accounts को maintain नहीं करते तो बताइए penal proceeding जो है वो क्या है? तो penal proceeding ये हर जो designated partner है वो उसको punish किया जाएगा, कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना और maximum 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। What are the penal provision for designated partner for LLP if then LLP failed to comply with the provision 35 which deal with the filing of annual return? अगर annual return file नहीं किया तो भी आपके ऊपर penal provision है और वो ये है कि 10,000 रुपए तक का जुर्माना और जिसको 1,00,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। What is the penalty for the false statement made by the LLP? अगर LLP ने जो है वो अपने कोई statement के अंदर जो है वो false statement दे दिया, कोई रिटर्न के अंदर स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर पेनल्टी प्रोविजन जो है वो क्या होगा? तो फिर वहां पे जो है वो पर्सन है, जो भी पर्सन होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी विद द इंप्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, कम से कम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। आगे, एन इंडिविजुअल और द बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी ए पार्टनर इन द एलएलपी, तो ये स्टेटमेंट बताइए क्या, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट जो है एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों पार्टनर हो सकते हैं। व्हाट इज एलएलपी आईएन, एलएलपी आईएन क्या है बेसिकली? एलएलपी आईएन जो है वो जब एलएलपी रजिस्टर्ड होती है तो एलएलपी को एक सेपरेट नंबर मिलता है, तो एवरी एलएलपी उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में, शैल बी असाइन एन एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो एलएलपी का एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा इन 1 consecutive सीरीज में एंड कोड, और उस नंबर को बोलते हैं एलएलपी आईएन। बी, Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners who are individual and at least 1 of them shall be, और कम से कम एक जो है वो कौन चाहिए, एक होना चाहिए उसमें resident in India। आगे, the annual return जो है LLP का, ध्यान से समझना, जो annual return है LLP का जिसके turnover up to 5 करोड़ रुपीज है during the corresponding financial year और contribution उसका 50 लाख रुपए तक का है, ठीक है, shall be accompanied with the certificate with the designated partner and the other signatory of the annual accounts to the effect that all annual account contain true and correct statement. In all these cases, all the other cases, the annual return shall be accompanied by a certificate from effect that he has verified to the particular from the books and records of the limited liability partnership and found them to be true and correct. So, इसको कौन करेगा? इसके ऊपर signature जो है वो होंगे किसके? Company secretary के। A, ए पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल, क्वेश्चन समझना क्या बोलता है, बोलता है ए पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक पर्सन जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं हो सकता, कब? अगर उसको सस्पेंड कर दिया और हैज एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर फॉर पेमेंट्स टू हिज क्रेडिटर एंड टू हैव एनी अदर टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर फॉर कंपोजिशन विद देम, अगर ऐसा उसने कोई कर्मकांड कर दिया तो फिर उसका उसको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, अगर उसको जो है वो कोर्ट ने दोषी माना है, ठीक है, सेक्शन 30 के अंडर, ठीक है, तो भी उसको जो है आप डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते। या हु हैज एट एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर बीन एडजस्ट इंसॉल्वेंट, या वो पिछले 5 सालों के अंदर अंदर जो है वो दिवालिया घोषित हुआ था, तो भी उसको जो है वो आप एलएलपी के अंदर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा डी। LLP जो है, ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन, उसका जो सक्सेशन है वो कैसा है, परपीचुअल नेचर रखा है, मेंबर के आने जाने का उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लगातार चलती रहेगी। आगे हाउ मेनी पार्टनर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म एलपी, एलपी के लिए जो है वो जरूरी कितने पार्टनर जरूरत है, तो कम से कम दो पार्टनर उसके अंदर होने चाहिए। आगे व्हेन ए पर्सन शैल सीज टू बी ए पार्टनर, अगर एक पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं रहा ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो फिर क्या होगा, तो व्हेन मतलब एक पर्सन कब पार्टनर नहीं रहेगा, अगर वो डिक्लेयर कर दे अनसाउंड माइंड माइंड का है, अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे कि ये पर्सन अनसाउंड माइंड है, तो अब वो एलपी में पार्टनर नहीं होगा, या इफ ही हैज अप्लाइड टू द एडजस्ट एन इंस्टॉलमेंट, या वो इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया जाए, या ऑन हिज डेथ और द डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, तो तीनों केस के अंदर जो है वो पर्सन जो है अब पार्टनर नहीं होगा। डी अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट, आईटी एक्ट के किस सेक्शन में स्टीलिंग एनी डेटा डिजिटल एसेट्स और इन्फॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज ए साइबर क्राइम, किसको साइबर क्राइम माना जाएगा, वो सेक्शन 65 में लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो उसको साइबर क्राइम माना जाएगा। विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ई गवर्नेंस के प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं, तो वो है जी आपका आईटी एक्ट 2000। आगे Which among following act is not amended in the IT Act 2000? किसको IT Act 2000 आने के बाद किसको amend नहीं किया गया था, किसको amend नहीं किया गया, तो आपका Banker Book Evidence Act को amend किया गया, RBI Act को amend किया गया, Indian Evidence Act को amend किया गया, but MTNL जो उसकी जो IT बोलती है इसको amend नहीं किया गया। आगे What is or are component of the IT Act 2000? IT Act 2000 के जो है component आपको बताना कौन कौन से हैं। आईटी एक्ट के अंदर बोला गया कि आईटी एक्ट आने से जो है लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर को, यस, या रेगुलेट करेगा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, यस, डिजिटल सर्टिफिकेट का प्रोविजन इसके अंदर है, यस, आंसर रहेगा 4। आगे सेक्शन 23 ऑफ द आईटी एक्ट इज, सेक्शन 23 जो है आईटी एक्ट का वो किसके बारे में जो है वो बात करता है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की बात करता है वो। आगे इफेक्टिव फ्रॉम 15 मार्च 2003 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज बीन अमेंडेड सो एज टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद इन इट्स परव्यू, किसको लेके आए, आईटी एक्ट को जो है 2003 के अंदर पहले अमेंड किया और किस डॉक्यूमेंट को या किस इंस्ट्रूमेंट को हम आईटी एक्ट के परव्यू के अंदर लेकर आए, तो हम लेके आए थे जो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड नेचर के जो चेक होते हैं इनको हम इसके परव्यू में लेकर आए थे, पहले ये नहीं थे लेकिन 2003 के अंदर अमेंडमेंट करके और इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक चेक को ट्रंकेटेड चेक को भी जो है वो इसके परव्यू के अंदर जो है वो लेके, मतलब इसके स्कोप के अंदर लेके आए। अनपेड सेल का मतलब बताओ, ये तो हमको मालूम ही है सर, अनपेड सेल का मतलब एक पर्सन जिसने गुड्स को सेल कर दिया लेकिन उसको अभी तक प्राइस नहीं मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट, आपको जो है वो निकालना है ओड वन आउट, तो देखो स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन, अनअसर्टेन और फ्यूचर, तो फ्यूचर गुड्स अलग है, बाकी स्पेसिफाइड, एसर्टेन, अनअसर्टेन ये तीन है, तो आंसर जो आएगा ओड वन आउट में थर्ड, तो 234 का 3। आगे विच द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपको जो है वो बताना है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो ट्रू कंडीशन जो है वो क्या, एक तो गुड्स का टाइटल होना चाहिए और गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ए एंड बी 4। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन, इनमें से कौन से इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो गुड्स जो है वो फिट हो, क्वालिटी वाइज अच्छी हो, ये तो इंप्लाइड कंडीशन है, मर्केटेबल नेचर की हो इंप्लाइड कंडीशन है, होलसमनेस हो ये भी इंप्लाइड कंडीशन, लेकिन कंडीशन एस फ्री फ्रॉम एनकमरेंस ये कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, तो 236 का जो आएगा वो आएगा 4। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज अ गुड्स, किसको गुड्स बोलते हैं, तो गुड्स की कैटेगरी में मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स आएगा, बट एक्शनेबल क्लेम और बुक डेट ये इसका पार्ट नहीं है, तो ए और बी आएगा गुड्स की कैटेगरी के अंदर, तो 237 का आएगा 3। फिर उसके बाद में ऑर्डर आउट निकालना है, तो ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करता हूं मैं। आगे स्टेटमेंट दिया गया पहला, इट इज अ प्री कंडीशन ऑफ द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट दैट सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 239 जो है वो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आया। ओके, इसके अंदर आपको जो है वो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहला बोलता है ये प्री कंडीशन है कि आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज कर सकते हो कि सेलर मस्ट हैव पार्टेड, सेलर जो है मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स, मतलब सेलर की तरफ से जो है गुड्स चली गई हो तभी आप उसको जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को आप यूज करोगे, जी ये कंडीशन एकदम सही है। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रीसेल व्हेन गुड्स आर इन हिज पोजेशन, अनपेड सेलर जो है वो राइट ऑफ रीसेल कर सकता है, यूज कर सकता है अगर गुड्स उसकी पोजेशन में, बिल्कुल सही बात है, अगर गुड्स उसके पास है तभी वो राइट ऑफ रीसेल को यूज कर सकता है, अगर गुड्स उसके पास नहीं है तो राइट ऑफ रीसेल को यूज नहीं कर सकता, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 बोलता है व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन पास्ड टू द बायर सेलर कैन फाइल अ सू अगेंस्ट बायर फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव बीन पास्ड, अगर जो गुड्स है वो दे दिए बायर को, तो सेलर सू कर सकता है अगेंस्ट द बायर फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो वो प्राइस के लिए जो है उसके लिए ऊपर केस कर सकता है, तो आंसर आएगा क्या 4, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है। आगे
सेक्शन 2.1 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन करता है बायर को, बायर कौन है, बायर एक पर्सन है हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स एंड सर्विस। चलो जी, एज सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी कैन नॉट बी यूटिलाइज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, क्योंकि कंपनी एक्ट के अंदर ये बोला गया क्योंकि ये जो है ये कैपिटल प्रॉफिट है और इसको जो है वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस के लिए या रेवेन्यू नेचर के लिए आप जो है यूज नहीं कर सकते। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एलपी, में से कौन सा एलपी का फीचर नहीं है। पहला, पार्टनर शुड बी लेस देन 20। पार्टनर ऐसा होता है क्या एलपी के अंदर, क्या पार्टनर मैक्सिमम पार्टनर सिर्फ 20 तक हो सकते हैं? नहीं सर, ये गलत है। Which of the following does not form the part of the important information incorporated in the memorandum of association as specified in the company 2013? तो कौन सी इनमें से कौन से does not form the part of important, कौन सी important information नहीं है? तो पहला, name of the company and the statement in which it is, and the state in which it is situated, ये जो है वो MOA, मतलब ये बोलते हैं MOA का कौन सी ऐसी चीज है जो MOA में नहीं आएगा। नेम ऑफ कंपनी आता है, स्टेट भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है कंपनी का, कंपनी की लाइबिलिटी आती है, बट द रूल्स रेगुलेशन एंड द बायलॉस फॉर द इंटरनल अफेयर, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है, ये मेमोरेंडम का पार्ट नहीं है। तो आंसर रहेगा थर्ड। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, विच इज रिलेटेड टू द सोल प्रोप्रेटरशिप, इनमें से कौन सा सोल प्रोप्रेटरशिप से रिलेट, सॉरी सेकंड लास्ट है, इनमें से कौन सा सोल प्रोप्रेटरशिप से रिलेटेड है? तो वो है सोल प्रोप्रेटरशिप जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वन लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे, रिटेलिंग कैटेगरी बेस्ड ऑन द ओनरशिप अरेंजमेंट वुड बी, रिटेलिंग कैटेगरी कौन सी है ओनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर, वो कौन सी है? सुपरमार्केट, ये भी रिटेलिंग कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर जो है ये भी आपके रिटेल इंडस्ट्री में आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी आपके रिटेलिंग कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर आएगा 4, ऑल ऑफ द अबव। लो जी, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। तो 245 क्वेश्चन हमने एक करे, 37 क्वेश्चन हमने एक करे हैं और 91 क्वेश्चन हमने एक करे, तो टोटल मिला के हो गए हैं जी हमारे कितने, 3, 7 और 1, 8, 5, 13 का 3, 10 373 क्वेश्चन जो है हमने लीगल एस्पेक्ट के करे हैं और मेजोरिटी सारे लॉस को जो है हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। कुछ एक रह गए तो आगे और देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये क्वेश्चन सारे कर लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सारी हो जाएगी। ओके जी सर, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, ताकि आगे जो भी हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी हो रही भी अच्छी। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।